मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ और लोग बोले यू यू सैड सैड। अली भाई भी शुरू में ना उनका एक्सप्रेशन ऐसा था, अच्छा नहीं हूँ एक्टर। मैंने बोला यार सब मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं यार। गाइज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरी गेस्ट हैं स्टूडियो में, जैसे ही आई हैं हमारी तो गप्पे नहीं ख़त्म हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। मैंने उनको पहली बार नोटिस किया था नकबजन में और वो उनका सेकेंड प्रोजेक्ट था, कैन यू गाइज बिलीव दैट। सांवरी में पूरा नहीं देख पाई थी लेकिन अब मैं कैचअप कर रही हूँ जैसे जैसे उसके एक्टर से मेरा इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद मुश्क में I was like, wow, she's a great performer. और आजकल हम उन्हें रंग महल में देख रहे हैं, वो जो पहले हंसा रही थी, मुस्कुरा रही थी हमें, क्या होना चाहिए, मुस्कुराहट दे रही थी हमें, और फिर अब आजकल काफ़ी रुला रही हैं। तो मेरे साथ हैं सहर खान। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बिल्कुल फ्लो में नेचुरल जाने दिया है, जब हमें लड़खड़ाई भी हूँ तो मैंने नहीं रोका। नहीं, मैं भी नेचुरल हूँ, आप भी नेचुरल हैं। आज हम बिल्कुल नो फिल्टर, नो फिल्टर इंटरव्यू जाने वाला है। ठीक है, नहीं थैंक यू सो मच। व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल और एनीथिंग बैड, इट्स गोइंग टू बी फन। यस, नहीं थैंक यू राबिया, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अलहमदिल्ला आप देख रही हैं। अब वो तारीफ वाली बात आप दोबारा कर दें, वो मैं बोल रही थी तो आवाज़ नहीं सही आई। ओके, जो आप बात नहीं, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे पता है आपको अच्छा लगता है आपकी अपनी तारीफ सुनना, लेकिन नहीं वाकई थैंक यू सो मच। नहीं नहीं अच्छा ये बताएं, गाड़ी ख़राब हो गई थी? ओ माई गॉड, है ना, रस्ते में फ़ोन आया, मैंने कहा अल्लाह भी ना बोल रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ या मैं आ नहीं रही हूँ, मेरा स्ट्रेस ही होता है बिकॉज कोई भी इमरजेंसी हो सकती है ना। नहीं, बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। मुझे नहीं आता गुस्सा कभी भी, मैं बहुत जॉली हूँ, लेकिन अगर मुझे गर्मी लग जाती ना फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मुझे तो आपसे ज़्यादा मुझे परेशानी थी, अल्लाह का शुक्र है कि यही 5 मिनट। हाँ, मैंने गर्मी गाड़ी ख़राब हो गई, हमारा इंटरव्यू है, उसको सारा मेकअप वह रहा होगा, शी बी स्वेटिंग, तो फिर हमने अरेंज कराया। मैचामाई की लाइट्स में इतना गर्मी में काम करते हैं, फैंस को तो नहीं पता होता कि हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हम वाकई बहुत मेहनत करते हैं। ये बात इतनी गर्मी में शूट कर रहे होते हैं और एसी नहीं होता, आपको पता है ऑडियो में कितने मसले मसाइल आते हैं, यहाँ तो फिर भी एसी चल रहा है अभी वहाँ नहीं चलता। हम कहते हैं क्यों जुल्म हो रहा है हम पे, कहते नहीं अच्छा भी तो आना है ना तुमने। बस सब चुप, आगे चुप। ओके ओके बॉस, ओके बॉस। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले तो मुझे लुक बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इट्स डिफरेंट फ्रॉम जो हम अभी रंग महल में जिस तरीके से आपको देखे ना, सीधे बाल या बाल बंधे हुए, तो ये अभी हल्का सा जो बालों में वो है, आई एम रियली लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच। आपके बाल भी अच्छे लग रहे हैं वैसे। आज यही होगा, यहाँ कैच, यहाँ छक्का, ये होगा। नहीं नहीं थैंक यू, मैं वैसे पोनी में रहती हूँ ज्यादातर या जूड़ा, ठीक है। मैंने कहा चले आज राबिया अच्छी लग रही है तो फिर मुझे भी अच्छा लगना है। कॉम्पिटिशन बराबर का होना चाहिए ना। नहीं नहीं आप बहुत अच्छी लगी, मैं आपकी कहीं कम्पीट नहीं कर सकती। नहीं थैंक यू। अच्छा ये बताएं, कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं मिला आपके बारे में, तो ये मैं भी आपको जानूंगी आज इस इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पढ़ा हुआ है आपने, कितने बहन भाई हैं, कौन बहन भाई, तो पहले मैं गिल्लू कितने, ये हाल है। अच्छा ऑनेस्टली जब मुझसे कोई पूछता है ना आपके कितने बहन भाई, मैं कहती हूँ एक सेकंड, हाँ ये बड़ी वाली, हाँ फिर मैं, फिर छोटी वाली, इस तरह मैं, हाँ इतने इतने बहन भाई हैं। तो अच्छा, चार है, पांच है? नहीं मेरी तीन बहन है, मुझे मिला के हम चार हैं, मेरे दो भाई हैं, मेरा एक और भाई था उसकी डेथ हो गई है, आज उसकी बरसी भी है वैसे। ओ तो चले अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बिल्कुल आमीन आमीन। और तो अब हम टोटल 5-7 थे, फिर देखो 5 बोल रही हूँ याद नहीं रहते। अच्छा हम जब कभी कहीं जा रहे होते ना एक गाड़ी में नहीं आते सारे, डबल गाड़ी। अच्छा तो ये बताएं वो बचपन में क्या वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते थे, वो होते थे हटो मुझे चका तो ये हो या वो? हाँ, सब नहीं, ये होता था लेकिन अभी भी होता है। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि शीशे के पास, खिड़की के पास मैं बैठूंगी। अब वो इस बात पे लड़ाई होती है। अच्छा मैं तो स्टार्टिंग से मैं तो नहीं सुनती किसी की, मैं तो अकड़ जाती हूँ, हिलती भी रही हूँ नहीं हिल रही। तो अभी भी है मुझ में, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, मुझसे एक बड़ी है। अच्छा हम सब बच्चों में ना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। ओके ठीक है। तो मेरी अम्मी और पापा की बड़ी यंग एज में शादी हुई थी, तो जब उनकी शादी हुई तो एक साल बाद आप ही हो गई, फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह से आई दुनिया में। फिर उसके बाद मेरी एक और छोटी बहन है, वो भी बहुत प्यारी है, तो वो बिल्कुल मेरी जैसी है। हम दोनों में सिर्फ एक साल का फर्क है, एक डेढ़ साल का। तो आप तो बहुत रोब जमाती होंगी फिर छोटे, बिकॉज आपसे छोटे रोब, हाँ चार और रोब जमाती हूँ। मेरा एक और छोटा भाई है, वो 7 साल का है, 6 साल का है। तो सारे काम होते होंगे वो मुझे, आई नहीं उससे सारे काम नहीं होते, वो मुझे वैसे आई ही बोलता है वो। अच्छा। बहुत उसके घर में ना बहुत लाड उठाया जाता है, आई ही बोलता है। कैसे ये नाम कैसे आया? बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मम्मा पानी को कहते हैं, तो वो मुझे आई ही बोलता था, तो वो आई से ही आई बन गई। बड़ी वाली को अय्या बोलता है, तो वो अय्या बोलता है, बिल्कुल तोता नहीं है वो, बट प्यार से बोलता है, यही बोलता है। और बहुत तेज है, बहुत तेज है, घर जाओ तो 10 बजे 9 बजे उसकी टाइमिंग है सोने की,
तो 10 बजे मैं आती हूँ, अब 10 बजे वो अय्या का इंतजार करता है, और वो जब आएगा तो अये पाँव दबा दूँ आपको, अय्या हाथ दबा दूँ, मैं कहती हूँ ज़्यादा तेज़ बनने की जरूरत नहीं, सो जाओ चुप करके, और काम बताओ काम क्या है। हाँ आ जाइए, साइकिल चला लूँ घर, प्लीज़ मम्मा को बोले ना, मम्मा को बोले ना, सिफारिश करवाने से बैठ जाओ। छोटे बहन भाइयों का होता है, बड़ी बहनों से स्पेशली हाँ करवाते हैं क्योंकि अम्मा बस सुन लेते हैं। हाँ पढ़ा हुआ क्या है आपने? अच्छा मैंने जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, ठीक है, तो फिर मैंने 7 से 3 इंटर अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था अपनी बहन के साथ, तो एक सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, लेकिन फिर वो शूट बैक टू बैक थी तो मैं नहीं दे पाई, तो अब मैं बीए कर रही हूँ, और एक साल माशाल्लाह से इस जो क्वारंटीन था मैंने, ये जो कोरोना का टाइम था, तो इसमें मैंने एक साल माशाल्लाह निकाल लिया। दैट्स गुड। तो अब ये है कि इंशाल्लाह एक साल अगले 2 साल में, दो साल में इंशाल्लाह मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स गुड। आई रियली लाइक इट कि आप पढ़ाई को छोड़ नहीं रही हैं। बिल्कुल, पापा का यही था जब मैंने पहले तो घर वालों की तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, वो एक लंबी स्टोरी बात जब पूछेंगे आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने घर वालों से इजाज़त ली है, बहुत पापड़ बेले तो, लेकिन जब मिल गई तो पापा का यही था कि पापा को ये डर था कि कहीं ये इंटर ना छोड़ दे, क्योंकि मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी और वो छोटी उस वक्त, बहुत वो स्टेज होती है ना कि वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर जल्दी से हर माँ बाप का होता है, इंटर हो जाए जल्दी से, फिर यूनिवर्सिटी में तो देख लेंगे, तो वो बहुत सेंसिटिव वक्त चल रहा था, और फिर बस अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी परसेंटेज कम बनी, लेकिन इंटर तो मैंने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद बीबीए एडमिशन लिया, लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी का आपको पता है कितना टफ होता है, वो आपको रोज अटेंडेंस, बीबीए वैसे भी बहुत टफ, बहुत टफ है। मेरा पहले शुरू में इंटरेस्ट था बिजनेस में, फिर मैंने कहा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, एक्टर बन जाऊँ एक ही बात, अच्छा आपको पता है मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी कभी, फिर क्या मैं सिंगर बनना चाहती थी। रियली आवाज का अच्छी नहीं है, नहीं 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 मैंने सुना है इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये तो होगा, ये तो होगा, इन पे होगा, सुना हुआ है क्योंकि मैंने, कब सुना आपने? आपके लाइफ में यू आपने गुनगुनाया है थोड़ा सा, अच्छा, छोटा सा क्लिप शायद है, तो वो मेरे फैंस ने बोला होगा तो मैंने जी जी गुनगुनाया होगा, गुनगुनाया, लेकिन मैं बहुत बुरा गाती हूँ, और फिर भी मैं बाथरूम सिंगर हूँ अभी भी हूँ, और बहुत घर वालों से फ्लाइंग चप्पल आती थी मम्मी की अगर गाना गाते वॉशरूम के दरवाजे पे धक लगती थी, ओके ये स्टॉप का बटन है, ये स्टॉप का, अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद, अम्मी को गाना, अम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मेरी, लेकिन भाई के जाने के बाद अब बहुत ज़्यादा यू नो बहुत डाउन हो गए हैं, हर किसी से प्यार से बात करना, हर चीज़ की इजाज़त दे देती, मैं कहती हूँ अम्मी बिगड़ जाएंगे, हम नहीं देती इजाज़त। तो अच्छा पापा ना, मेरे पापा का ये होता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो बच्चों को नहीं दिखाते थे, वो क्या करते थे अगर हम जैसे हमने कोई कुछ किया ना और हमारी कोई बात उनको बुरी लग गई तो वो अम्मी को ऐसे आँख दिखाते थे, और अम्मी कहती थी टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी खबरदार, हर वक्त चलो कमर से निकलो जाओ, तो पापा हमेशा अम्मी पे रख के करते थे कि बाद हमें बाद में समझ आए, कहते थे पापा अच्छे अम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छे अम्मी अच्छी नहीं, अम्मी कहती हाँ हाँ बेटा पता चले बाप बाप होता है बेटा, ये सारे फादर्स यही करते हैं ना कि ऐसे ही होना चाहिए, अच्छे बन जाते हैं, और मैं कहती हूँ तरबियत बड़ी जरूरी है, माँ बाप का ऐसा होना भी बहुत जरूरी है। तो बीए में अभी क्या सब्जेक्ट्स हैं? पॉलिटिकल साइंस। मैं बिल्कुल मैं लॉ पढ़ना चाहती थी शुरू से, और मुझे लॉयर बनना था, लेकिन फिर मैं नहीं बन पाई, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक साल तो निकाल लिया अभी, वो भी बहन भाइयों से थोड़ी हेल्प भी की ली, क्योंकि क्वारंटीन था, यूनिवर्सिटी जाके क्लासेस नहीं ली तो वो ज्यादा इजी था, अब जब यूनिवर्सिटी अब कल से खुल रही है मैंने सुना, तो आप जाएंगी यूनिवर्सिटी? नहीं जा नहीं सकती, या प्राइवेट देंगी? प्राइवेट की कोशिश करूंगी। हां दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग तो वो है। हाँ। अच्छा जी, तो सवाल जिस पे कहानी सुनाई थी कैसे बचपन से सिंगिंग का शौक था, कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? अच्छा डिसाइड तो मैंने नहीं किया था कभी, बट मुझे शौक था टीवी में आने का कि लोग मुझे जाने ना ऑटोग्राफ। अच्छा मैं मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ, बड़ा सा स्टेज हो और लोग बोले यू यू सहर सहर, लिटरली मेरा ये हुआ सहर। मैं अभी इंटरव्यू के एंड पे यही कहूँगी सहर गाना गाओ, सहर सहर वन मोर वंस मोर। तो ना तो वो अच्छा अभी पापा ने कुछ टाइम पहले मेरी तारीफ की कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है तो मैं सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा माफ़ पापा, सारी ज़िंदगी तो आप लोगों ने चपले मारी है, अब आपको हुनर नज़र आ रहा है, अब आपको मुझ में हुनर नज़र आ रहा है। पापा ने जब एक्टिंग कर सकते हो तो सिंगिंग, मैंने बोला नहीं भाई एक ही चीज़ अभी हो रही है वो ठीक है। अच्छा एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, सेकेंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस, ठीक है, तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी मॉर्निंग शो में, फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई, तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा ऐसे कुछ बनना चाहती है, तो वो होते ना दोस्त आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा,
तो मुझे कहती थी शहर बन जा यार, मैं कहती थी नहीं यार। अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पर। 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते। सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती थी। मैं यही इस पे आने वाली थी। हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी। तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ ना अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा हुआ था। तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था वो नीचे तक था। तो हम 9 बजे के बाद जैसे हम जानबूझ के करते थे, जब 9 बजे के बाद बड़े अब्बू लगा देते थे ना, हम कहते थे अच्छा ठीक है। हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे। ओह गॉड, कितना मजा आता होगा नूडल्स और लेज़ जो मैंने अभी आपसे मंगवाए। तो हम बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर 2-3 दफा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है। और मेरी बहन ने तो बोला ये आप ये लेके गई थी, मैं तो नहीं गई। मैं तो बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी है। अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा जब अम्मी डांट वांट देती ना, तो पापा रूम में आकर हमें मनाते हैं हमेशा से। तो पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माँ तुम्हारी भले के लिए करती हैं। तो जब वो रूम में आते थे ना, फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना वो जगह जन्नत में जाती है, अल्लाह की कसम। तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिटी होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी ये वाली जगह रह गई यार, ये जन्नत में नहीं जाएगी, यहाँ हमारे अब इतना मारा है अम्मी ने। तो ऐसी आज तक मुझे वो बात याद है कि अब मैं अम्मी को कहती हूँ जन्नत में नहीं भेजना क्या मुझे, मारे थोड़ा सा। अम्मी कहती है अब मुझे हिम्मत नहीं है ना, अब तुम लोग बिगड़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है। तो वो बहुत अम्मी से मार खाई है। तो इस तरह का माहौल अच्छा था। मैं थोड़ी जिद्दी थी हमेशा शुरू से। अच्छा, पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे, चाहे खानदान में कोई भी कुछ बोलता था, पापा कहते थे मेरा बेटा है। और हमेशा सिर्फ पापा ने मेरी साइड लिया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा पिटे हैं पापा से। हाँ, मैं नहीं पिटी। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे होगा। उसने मुझे बोला नहीं सहर, तुम एक दफ़ा ट्राई करो, मैं बात करती हूँ। तो उसने हम टीवी, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने बात की कि मेरी बहन है छोटी, तो आप ये वो। तो मैंने कहा यार क्या करूँगी क्या करूँगी। खैर कॉलेज गई कपड़े शपड़े लेके ना, तो अब लाला बाहर खड़े में। मैंने कहा यार कॉलेज कैसे बंक करूँ, कॉलेज कैसे बंक करूँ। अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है घर से अकेले जाना आज भी, मतलब मुझे वैन ड्रॉप करती थी और पिक भी वही करती थी, 9th क्लास में भी, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो वही वो वैन बाहर खड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमें, वो स्टोरी बहुत लंबी है किस तरह से बाहर निकल के हम ऑफिस चले गए हम टीवी के। तो उसने मुझे बोला मैं हूँ ना, बस तुम करो। तो वहाँ ऑडिशन हो रहा था सांवरी की क्षमा का। ओके, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मैं ऐसी एक होता ना, जब आप पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगती ना, तो आप कहते हो चलो ट्राई करो एक, यू नो। तो वो उस चक्कर में ना मैंने बोला चलो एक रिस्क लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है मार खा लूँगी, नहीं पकड़ी गई तो चलो। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ऑडिशन मेरा हुआ। तो वहाँ एक रुबाब होते थे, रुबाब ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी एक्टर है। अच्छा, उन्होंने मुझे उस वक्त कॉम्प्लीमेंट दिया था, तुम दूसरी सज्जा लो। ओके, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने कहा कि अच्छा वाकई, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, पटाखा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो वो बस फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया। अच्छा, डायरेक्टर का मूड ऑफ था, वो मुझे नहीं लेना चाहते थे। ओके, कामरान अकबर। तो कामरान अकबर ने जब मुझे यूँ देखा ना, तो वो सड़ियल सी उन्होंने शक्ल बनाई, तो मुझे फील हुआ, मैं फिर भी बेइज्जती करके अंदर आ गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने मुझे बोला क्या किया हुआ आपने। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया हुआ तो एक्टिंग कैसे करेंगे आप। तो मैंने बोला एक्टिंग करने के लिए कुछ करना ज़रूरी थोड़ी, हर जितने भी एक्ट्रेस थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं बहुत मुंह फटू, मैंने जल्दी भी ट्रेनिंग, बेसिकली यू मेंट की ट्रेनिंग तो उन्होंने भी नहीं ली हुई ना, जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि, तो मैंने कहा कि लेकिन, तो मुझे 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 पता था मैं नहीं हूँगी। अच्छा, मुझे नहीं, इसीलिए बेखौफ हो कि आपने मुझे बोला, पता जो था बोला कि मैं नहीं हूँगी सिलेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ, घर वालों से वैसे ही इजाज़त नहीं मिलनी है, क्या करना तो है? फिर जो बोलना है बोल दो यार। मैंने बोला कि, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, आप, उन्होंने बोला अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के सुनाएना जरा, डायलॉग्स भी तो पता चले आपको आता भी है कुछ या नहीं आता। तो मैंने उन्हें कहा, वो अभी रुबाब ने जो मुझसे ऑडिशन लिया ना, वो वाली मुझे डायलॉग्स याद है, आप मुझसे वो सुनो। और लिटरली उन्होंने मुझे बोला बीबी ये सोप है, आपको पता है इसकी कितनी एपिसोड्स होती हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट दें आपको याद करने के लिए। ओह गॉड। तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये सेट पे फौरन आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, और कोई भी सीन होगा और आपको वो करना होगा। अब मैंने बोला ले बेटा। अच्छा, मैंने बोला मेरे, अब एक होता ना आप बच्चे होते तो आपको कोई चैलेंज दे तो आप कहते अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा
बुरा भी लगा, मैं आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ये हंस हंस के बताते हैं हर जगह. तो मैं कहती हूँ बस कर दें, आप मुझे लेना नहीं चाहते थे. तो अब वो मैं स्क्रिप्ट ऐसे करके मैंने देखा और मैंने उनको दे दी. अच्छा मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें ना, तो वो मैंने देख लिया और मैंने कहा ये ना. तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, उन्होंने मतलब पढ़ ली, मैंने कहा हाँ. तो उनको लगा ऐसी ओवर एफिशिएंट बनी उन्होंने, तो मैंने वो धड़ 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 डायलॉग बिल्कुल शमा के अंदाज में मैंने बोले. तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा, उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं रुबा आपको बता दूंगा. तो मेरे मुँह पर उन्होंने तारीफ की. अच्छा ठीक है भाई, मैं चली गई. तो रुबाब ने मुझे बोला तुम डन हो. और अब मेरी दोस्त मुझे गले लगी कि तुम एक्टर बनोगी. अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे, मैं भूल गई कि घर वालों से पूछना है. मैंने कहा अच्छा मैं एक्टर बनूंगी, ओके याहू एक्टर बनूंगी. तो वो वहाँ एक जावेद भाई होते थे, वो बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मुझे बोला डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भाई बैठे हैं, कुछ भी हो मुझे बताना है, आके कोई भी तंग करे मुझे बताना है. सेट पे भी मैंने उनको बोला कामरान सर मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, शिकायत लगा दी. तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी हो ना, बस आपने मेरे पास आना. तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, मुझे बोला तुम बिल्कुल उसकी तरह. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है, ओके, वो भी पटाखा है बहुत. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो बोला तुम बिल्कुल उसका ना, तुम ये छोटा वर्जन है, तुम बड़ा वर्जन हो उसका. खैर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लीगली मैं बाउंड हो गई, सब कुछ एक ही से ये उसी वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई. ओह माय गुडनेस, पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ. अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना, तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड होकर बात सुना, मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तुमने जाया कर दी. सहर बस ठीक है, मैंने कहा बात सुनो मैं सिलेक्ट हो गई, ओ याहू वी विल सेलिब्रेट, ओके. मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना. फिर हम घर पहुँचे, अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को, शूट शुरू था, एक डेढ़ महीने बाद शूट शुरू होनी थी. अब मैंने बोला यार घर वालों से पूछा ही नहीं है क्या करूँगी, तो बड़ा तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था, ठीक है. जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो मैं उसको बोल के आई थी, मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाज़त नहीं मिली तो तुम यू आर डिग्री बाउंड, आई एम नॉट बेबी. तो उसने बोला यार, तो खैर बाबा के पास गई कमरे में, मैंने बोला पापा वो मैं सिंगर बन सकती हूँ, पहले मैंने बोला ज़रा एक्टिंग पे नहीं आती ज़रा. पापा ने बोला इतने जूते लगवाऊंगा ना भाग जा. चली गई. फिर अगले दिन ना मैंने पापा को बताया, पापा वो आज मैं कॉलेज गई थी ना, तो वहाँ ना हम TV की टीम आई हुई थी, इतनी सारी आवाम थी और सबका ऑडिशन हुआ और आपकी बेटी को सेलेक्ट किया उन्होंने. कहानी बनाई. मैंने कहा आपकी बेटी को सेलेक्ट किया, पापा थोड़ी देर मुझे क्यों देख रहे. मैंने कहा पापा लेकिन एक गलती हो गई, मुझसे मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो पापा थोड़ी देर तो बैठे, उनको माँ बाप को पता होता है झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों. तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसे तो तुम्हारा बना नहीं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो मैंने बोला पापा वो ऐसे ही जो पेपर वर्क होता है वो किया. तो पापा ने बोला वो मैं तो कैंसिल करवा दूंगा, कुछ नहीं होता, तो अलाउ तो नहीं. फिर खैर बहुत रोना रोना किया मैंने, पांव जोड़े पापा के, पापा प्लीज़ मान जाए, अम्मी को मनाया, कोई नहीं मान रहा था. फिर मेरे एक छोटे चाचू जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने बड़े दादा दादी बड़े अबू तो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनते थे लेकिन चलती दादा की थी, तो उनको मनाया और उनके थ्रू मुझे मिली इजाज़त. तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हम जॉइंट फैमिली से ना फिर हम अलग हो गए थे. तो जब हम अलग हुए तो ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई. तो तब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी माँ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है. मेरी माँ आज तक मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ है. अम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना है बाप खड़ा हुआ. लेकिन पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुँह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अब्बू ने बोला था, मैंने बोला आपके अब्बू ने बोला है तो आप कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह. अच्छा सांवरी ना बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, ठीक है. जैनब उसामा सब होते थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और बहुत मज़ा आता था मुझे. तो बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, बहुत जल्दी टीजर, कामरान सर बहुत जल्दी यू नो कामरान भी बहुत जल्दी जल्दी शूट करते हैं, काम करते हैं. तो वो बहुत जल्दी टीज़र हमारे ऑनर हो गए. तो वो उस टीज़र में एक डायलॉग था, मैं जैन को बोलती हूँ कि शमा दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती है. तो वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था उस वक्त ना. तो मेरे अम्मी अब्बू को यू नो फैंस रिएक्शन मिलना शुरू हो गया, उनको अम्मी की फ्रेंड्स बता रही हैं, पापा के दोस्त बता रहे हैं, सब बता रहे हैं. तो वो इतना खुश हुए. तो मैंने बोला पहले तो आप लोग मुझे इजाज़त नहीं देते थे, अब जब मेरे फैंस आपके दोस्त मेरी तारीफें कर रहे हैं तो अब मैं अच्छी हो गई हूँ. तो पापा ने फिर मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, कल को तुम अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे, माँ बाप से इजाज़त दे के या माँ बाप के फैसले के साथ चलोगी तो इंशाल्लाह कामयाब तुम करोगे और माँ बाप की दुआएं ही आपको आगे लेके जाती है. तो पापा ने कहा तुम इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो मुझे आज तक याद है, कभी गरूर नहीं करना, ठीक है.
और जो तुम्हारे से जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे हम ड्राइवर्स होते हैं और ये जो स्पॉट के लड़के होते हैं, टेक्निकल जो टीम होती है जो आपको सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली उनसे इज्जत से बात करें. एक्टर से तो आप वैसे ही इज्जत से बात करोगे ना, अपने ऊपर तो लोगों से आप इज्जत से बात करोगे, लेकिन जो ये नीचे के तबके के लोग हैं ना, इनसे कभी बदतमीजी नहीं करना. अगले दिन घर बिठा दूंगा. मैंने कहा ओके बाबा, दूसरी बताए. तो फिर दूसरी बाबा ने बताया कि हमेशा जो झुका हुआ दरख्त होता है ना, वो फल देता है, और अकड़ना मुर्दे की निशानी है. तो मुझे आज तक याद है, जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कभी अगर हल्का सा भी टैंट्रम्स आ जाता है या कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुर्दे अकड़ते हैं यार, इंसान नहीं अकड़ता, डाउन टू अर्थ बनो. तो बस इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. सामरी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, फैन का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बन गई हूँ. फिर दोस्त भी नो पार्टी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब बहुत खुश हुए. फिर मेरा अगला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, नकब्जन. अच्छा नकब्जन का बताऊं आपको? बिल्कुल ऑफ कोर्स, हम तो कहानियां ही सुननी है. मैंने कहा मैं ज्यादा ना बोलूं, बेचारी आप खामोशी से मुझे सुन रही हैं. मेरा काम सुनना है और सवाल पूछना है, जहां सवाल रिक्वायर्ड है मेरा काम ये बोलना. अच्छा मैं फिर नकब्जन की मेरी शूट शुरू हुई और महेश भाई ने मुझे बुलाया. महेश भाई ने बोला बच्चा एक ड्रामा है नकब्जन ना, तो वो कर रही हो आप. तो मैंने बोला महेश भाई अच्छा उस वक्त ना मैंने कहीं से सुन लिया था कि लीड होता है कोई चीज. मैंने बोला अच्छा लीड पे कौन है? तो उन्होंने जुमा दो दिन आठ दिन हुए, क्या होता है मामला जुमा आठ दिन. उन्होंने बोला लीड पे कौन है? उन्होंने बोला लीड पे तुम हो. अच्छा वो हमेशा मुझे बोलते हैं, मुझ पर भी उन्होंने बोला लीड पे हो तुम, ताकि कर ले प्रोजेक्ट. तो ऐसे ही उनको पता है मेरा. तो वो उन्होंने मुझे बोला लीड पे. तो मैंने कहा अच्छा. तो उन्होंने मैंने कहा अच्छा और कास्टिंग में तो मैंने मुझे बताया सबूर है. मैंने कहा वाओ आगे बताएं. मैंने कहा अली अब्बास. मैंने कहा ओ वाओ वसीम अब्बास है, बहुत अच्छी कास्टिंग लगी. तो मैंने कहा ओ वाह. मैं बहुत एक्साइटेड होके शूट पे पहले दिन पहुंची. मुझे लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग आती है, मुझे सब कुछ आता है. अदील भाई डायरेक्टर थे, अदील भाई बताती हूँ किस्सा आपका. हमारी शूट शुरू हुई, पहला दिन था, सबूर के साथ मेरा पहला सीन था. सबूर ने अपना वन टेक में दिया और सबूर फ्री. अब मेरे पे कैमरा आया, अब मैं डायलॉग्स दे रही हूँ और अदील भाई बोले नहीं वापस. मैंने दूसरी दफ़ा दिया, नहीं वापस. तीसरी दफ़ा दिया, मैंने वापस. चौथी दफ़ा दिया, वापस. और जो DOP वहाँ पे थे वो मेरे सांवरी में होते थे, और सांवरी में वो देखते थे कि कामरान भाई मेरी तारीफ़ें करते. तो मैं वन टेक एक्टर हूँ. आज तक मुझे हर कोई बोलता है कि वन टेक आर्टिस्ट है. ओके. तो मैंने बोला दिल भाई क्या कुछ मतलब कोई मसला आ रहा है क्या आ रहा है? अच्छा मुझे ये बात पता थी कि अदील भाई शायद, मुझे ये लगा शायद अदील भाई भी कामरान भाई की तरह खुश नहीं है मुझे लेके, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कास्ट है, न्यू एक्टर को आप उनके साथ खड़े. और वो भी नकब्जन में जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था. It was a very important character. Exactly. उसके बगैर ड्रामा अधूरा था. Yes. तो फिर मेरा सीन शुरू हुआ, फिर मेरी रीटेक. 8 retakes मैंने दी उस वक्त उनके कहने पे. मैंने तो अपनी पहली में, मैंने कहा मैंने तो पहले में ही अच्छी दी है, बट उन्होंने कहा नहीं अच्छी, आप दोबारा दें. मैंने दोबारा दी. 8 दफ़ा ना मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया. तो मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ. कोई मुझे कुछ बोल, मैं वैसे तो बड़ी जॉली हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ. और मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर अगली दफ़ा जब सीन हुआ तो तब भी सारे एक्टर्स ने वन टेक में दे दिया और मेरा वापस हो रहा है. मैंने कहा मैंने कहा बाकी सब ने भी तो बुरा दे सकते थे, उनको भी तो आप वन टेक ले, उनकी क्यों लिया आपने? वो पुराने हैं इसलिए. मैं न्यू हूँ तो मेरी बोल दिया जाके, ये दिल में सोचा, अकेले में बोला था. ओके. जब रो रही थी मैं, अच्छा मुझे इतना बुरा लगा, मैं रोने लग गई. मैंने कहा मैंने ड्रामा नहीं करना. मैंने कहा मुझे नहीं आती एक्टिंग और मुझे एक्टर नहीं बनना. मैं अपना जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी और घर वालों से मार खाऊंगी. नहीं रहना मुझे यहाँ. तो फिर मैंने ना महेश भाई को, बस मैं ये मिला रही थी, मैं रोते रोते महेश भाई को फोन करूंगी, मैंने नहीं करना ड्रामा. तेरी टेक्स कराते हैं, कौन कराते हैं? मैंने उनको फोन करने वाले थे, अदील भाई आ गए, उन मेकअप आर्टिस्ट ने उनको बता दिया शहर हो गए. मेरे पास बोला एक सेकंड चुप हो, पहले चुप हो, चुप हो. उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई जो कि मुझे आज तक याद है, और उसके बाद शायद मुझ में ठहराव भी आया. उन्होंने मुझे बोला एक बात याद रखो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ स्क्रीन पर किसने आना, अदील ने आना. मैंने कहा नहीं. कह रहे तुमने आना. तो मैंने कहा हाँ. तो कह रहे अगर तुम अच्छी आओगी तो किसका फ़ायदा है, मेरा या तुम्हारा? मैंने कहा मेरा. तो उन्होंने मुझे बोला मेरी क्या कोई दुश्मन है तुमसे, ये तो मेरा भी तो प्रोजेक्ट है. अच्छा उनका भी ये पहला प्रोजेक्ट था. उन्होंने बोला ये मेरा भी प्रोजेक्ट है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक एक्टर मंजावा लगे. ये ना लगे कि सबूर ने अच्छा किया और अली ने अच्छा किया और ये जो न्यू लड़की थी ना इसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये सोप की एक्टर थी. उन्होंने मुझे ये बात बोली. उन्होंने बोला तुमने सोप किया है उसमें तेज़ी चल जाती है, बट ये जो कैरेक्टर है ये एक मेच्योर और ठहराव वाली लड़की का है, तो अगर ठहराव तुम में नहीं होगा तो ये कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा. तो मुझे उनकी बात इतनी क्लिक की. मैंने कहा यार वाकई जब हम किसी नए सेट पे जाते हैं वो नया इम्तिहान होता है, क्योंकि हम एक नया कैरेक्टर प्ले करने जा रहे होते हैं, एक नई लड़की को प्ले करने जा रहे होते हैं. बिल्कुल. सांवरी में मैंने क्षमा कर लिया, वो चैप्टर क्लोज. अब मेरा नया चैप्टर शुरू हुआ जो फारिया का था. फिर उसके बाद मैंने जो परफॉर्मेंस दी है और अली अदील भाई
उन्होंने क्लैपिंग किया. फिर मेरा अगले दिन अली भाई के साथ शूट था, अली अब्बास के साथ. और उनके साथ मेरा वाला सीन था जब मैं उनकी चोरी पकड़ती हूँ, मेरा गला पकड़ते हैं, और वो बहुत मेजर सीन था वो. It was very violent scene. Exactly. और उसमें जब उन्होंने मेरा गला पकड़ा था तो उन्होंने वॉच पहनी हुई थी और वो मेरे यहाँ लगी थी. और उनको मेरी वाली बात अच्छी में होता है ना नीचे जहाँ आप लेटर. उनको मेरी बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने सीन नहीं रुकवाया और मैंने मेरी आंखों से आंसू ग्लेयर थी क्योंकि लग गई थी मुझे जोर से, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला. और जब सीन खत्म हुआ तो यहाँ मेरे पूरा रेड पैच था, बहुत जोर की लगी थी और हड्डी, ये मेरी ना हड्डी यहाँ पे धड़. तो फिर खैर अली भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला नहीं बहुत अच्छी एक्टर है. अली भाई भी शुरू में ना उनका एक्सप्रेशन ऐसा था, अच्छा नहीं हूँ एक्टर. मैंने बोला यार सब मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं आप. हालांकि सॉरी टू से लेकिन सब न्यू एक्टर थे एक टाइम पे, पर मैंने अच्छा काम किया. बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह. तो मैंने तो आपको इंटरव्यू में बोला कि आई सॉ यू सो मच एंड आई वाज लाइक yeah this girl has potential. थैंक यू सो मच. लोगों का प्यार है, लोग इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं बस. खैर अब तो माँ बाप भी करना शुरू हो गए. तो नहीं अब अम्मी भी मेरा, अच्छा अम्मी मुझे रोते हुए नहीं देख सकती. अगर मैं कोई रोने वाला प्ले करती हूँ ना, मैं रो रही होती हूँ, तो अम्मी भी रोने शुरू हो जाती है. अम्मी कहती है रोने वाला कैरेक्टर नहीं. और अभी तो रो ही जा रही हैं. अब वो अम्मी कभी कभी तो देख रही होती है, फिर कहती है मुझे नमाज पढ़नी, मगरिब के वक्त आ रहा होता है ना नमाज पढ़ने. मैं कहती हूँ आप बहानेबाजियाँ करती हैं, आप जानबूझ के देखती नहीं है मेरा ड्रामा. खैर फिर इस तरह से नकबजन बहुत अच्छा प्ले इसलिए गया क्योंकि ऑब्वियसली अदील भाई ने मुझे समझाया, जिनकी वजह से मेरा नकबजन में बहुत ठहराव आया और बहुत अच्छी एक्टिंग की. फिर तीसरा मेरा प्ले था वफा कर चले, जो कि सोप था. उसमें एक डायरेक्टर थे जो 10 साल बाद वापस कम बैक कर रहे थे, तो उनके साथ वो भी बहुत अच्छा स्मूथली चला गया क्योंकि फिर आया मुश्क. अच्छा मुश्क पे जाने से पहले हम ब्रेक लेंगे. हाँ मतलब वैसे ब्रेक नहीं, ड्रामों के बारे में थोड़ी सी ब्रेक और इधर की फिर दोबारा ड्रामों की कहानी करेंगे. डन. तो ये बताएं कि पहला फैन रिएक्शन कैसे आया, क्या हुआ, कब निकली और कब लोगों ने पहचानना शुरू किया और फिर शहर को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई. मेरा पहला फैन रिएक्शन बहुत बुरा था और बहुत अच्छा भी था. अच्छा। मैं ना गाड़ी चलाना सीख रही थी सांवरी के वक्त में, मतलब वो टीजर ऑन ईयर हो चुके थे और मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी, फैमिली साथ होती थी और मैं चला रही होती थी. तो स्लो चला रही थी मैं, तो जब मैं स्लो चला रही थी तो हम लोग सिग्नल पे रुके और सिग्नल पे ना एक रिक्शे वाला ऐसे करके मुझे दिखता है, अरे ये तो वो है ना जो दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती. ओ मैंने बोला ये लोग बोलेंगे क्या लड़की कौन है जो दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती है. अच्छा बताएं अम्मी अबू ने कब तारीफ की जब उनको कौन सा उनको ड्रामा बहुत अच्छा लगा? सांवरी उनको अच्छा लगा था पहला, क्योंकि सांवरी में थोड़ी पटाखा लड़की थी. तो इतना हंसते थे, इतना हंसते थे, इतना हंसते थे, कहते थे अल्लाह बेशरम बहन के साथ क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो. और पापा थोड़े कम देखते हैं ड्रामे, अम्मी ज़्यादा देखती हैं, बहन भाई ज़्यादा देखते हैं. मेरी जो बड़ी बहन है ना वो मेरी कभी तारीफ़ नहीं करती, कभी भी नहीं तारीफ़ करती. मतलब मुझे 3 साल होने वाले हैं अब, और मेरा पहला प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए ना, तो मुझे यूँ करके देखती है, कहती है चल चल फजूल के एक्टर चल मैं भी देखूँगी. इतनी बेइज्जती करती है. पे चेक नहीं दिखाया, वो लहरा के बोलना था, बोले तो फजूल की एक्टर अभी बता दी जाओ जाओ अपने पैसे. बहुत बेइज्जती करती है, बहुत बेइज्जती करती है, बड़ी भी है. और वो जब मैं सांवरी करती थी कहती बहुत ओवर एक्टर है भाई, बहुत ओवर एक्टिंग करती. तो मैं कहती थी कभी तो मेरी तारीफ कर दो, मेरा कोई ड्रामा आता है ना मैं उसको टीजर दिखाती हूँ, कहती चल चल इतना फजूल ओएसटी नहीं सुनना. ये रंग महल मेरा पहला ड्रामा है, पहला ड्रामा है जो वो पहले दिन से देख रही है और वो इतने मज़े से देखती है. और मैं कहती हूँ कि यार मतलब कहाँ से निकला है आज चांद, मेरी तारीफ हो रही है. और वो नहीं बैठती टीवी के आगे, तो वो रोज़ जब मेरा ड्रामा आता है 9 बजे तो वो आके बैठ जाती है लाउंज में और देख रही होती है. कहती है अब क्यों देख रही हो, अब क्यों देख रही हो, तुम्हें तो पसंद नहीं ना मेरे ड्रामे. कहती है तुम्हारे लिए नहीं देख रही मैं, बाकी एक्ट्रेस पसंद है मुझे. वहाँ पे भी छोड़ा नहीं उसने. लेकिन मेरी जो, अच्छा हम सबके रूम्स अलग हैं, तो जो मेरी बड़ी वाली बहन है मिराल वो छोटी बहन के साथ सोती है, तो उन दोनों का रूम्स अलग है, मेरा अलग है. तो जब उसके साथ होती है ना तो वो मुझे बताती है कि बेटा जब ये यहाँ से नहीं देखती ना यूट्यूब पे देख रही होती है. छोटी वाली आके सारी बताती है, कहते यूट्यूब पे देखती है. यू लॉस्ट योर ब्रदर, आपका भाई. यस यू मिस हिम वेरी मच, वेरी मच. हाँ बहुत लाडला था और बहुत जल्दी चला गया, अंदाज़ा नहीं था. 14 साल का था और इतना प्यारा, इतना क्यूट. अगर आज मैं उसकी किसी को तस्वीर दिखाती हूँ ना तो सब कहते हैं कि यार क्या हीरा था. अच्छा पता है वो हमारे घर में ना, वो एक बच्चा होता है ना जिसकी दुआ और जिसकी बरकत होती है घर में, कि वो तो वो बहुत मन्नतों से आया था. अम्मी के यहाँ ना बेटा नहीं हो रहा था, तो हम तीन, पापा की तरफ से तो कभी अम्मी पे कोई मसला नहीं था, बट ख़ानदान का प्रेशर होता है कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है. तो वो ऑब्वियसली अम्मी भी फील करती थी, अम्मी भी कहती थी कि मेरी 3 बेटियाँ बेटा नहीं हुआ. तो अम्मी ने बहुत दुआएँ मांगी, बहुत नमाज़ें, बहुत रोज़े और बहुत सारी चीज़ें की. तो उसके बाद मुबीन पैदा हुआ था.
Okay. जब मुबीन पैदा हुआ तो ऑब्वियसली फिर जब एक बेटा आता है घर में तो उसका लाड और वो सब चीज़ें होता है, बट वो बचपन जब वो पैदा हुआ था ना तो तभी वो आईसीयू में चला गया था, बहुत बीमार रहा है बचपन से ही. Okay. उसके साथ कोई ना कोई मसला रहा है. पता नहीं, वो खैर एक फैमिली की भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग खुश नहीं होते आपसे. बहुत सारी लोग अम्मी, हाँ, नज़र की भी बात होती है. और फिर अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भी फेस की ख़ानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से. खैर, तो वो जब बड़ा हुआ तो वो बीमार बहुत रहने लगा. उसको शुगर थी, वो शुगर पेशेंट था. तो वो फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत वेट बढ़ गया. तो उसका एक डेढ़ साल इलाज रहा. जब मैं सांवरी कर रही थी तो सांवरी के बीच में जो प्रोजेक्ट के बीच मुझे जब हम बात कर रहे थे तो मुझे सह नहीं रहा, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की कि अब इतना इम्पोर्टेंट जिंदगी का प्रोजेक्ट करी है बट यू कंटिन्यूड. एग्जैक्टली. और जब सांवरी का प्रोजेक्ट हमारा एक साल चला है, तो जब सांवरी हमारी शूट हो रही थी तो बहुत आगे जाके बीच में मुझे न्यूज़ मिली थी मेरे भाई की डेथ हो गई. बट उससे पहले वो बहुत ज़्यादा, मैं रात में ही उससे मिल के आई थी और मैं यही चिप्स लेके गई थी उसके लिए ना. मैं चिप्स बहुत खाती हूँ तो मैं रात में चिप्स लेके गई थी. मैंने बोला ये लो मुबीन. तो उसने वो बहुत खाता था, उसने पहली दफ़ा चिप्स नहीं खाए. तो उसने मुझे बोला कि यही मेरे पास बैठ जाना. वो भी मुझे यही बोलता था और भूखी भी बोलता था. तो वो उसके मैं सारे चिप्स ले लेती थी. तो वो मुझे रात में, मुझे ना, मैं जब जाने लगी ना, मैं इतनी थक गई थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. उसने मतलब मेरे पास बैठ जाओ. तो मैंने बोला मुबीन यार अभी थकी हूँ, कल आऊँगी, कल बैठूँगी. ना सुबह मैं शूट के लिए निकल गई. सुबह मैं शूट के लिए निकली हूँ, मैं उससे इत्तेफाकन नहीं मिल पाई. मैं शूट पे थी ऑन सेट, बहुत मुश्किल है बात करना, बट मैं शूट पे थी. और अच्छा, उसका डायलिसिस हुआ था, ठीक है. फिर वो वेंट पे भी गया था, वेंट से वो वापस आ गया था. बट वो वेंट से जब वापस आया था वो टोटल 3 दिन यहाँ सर्वाइव किया. बिल्कुल. तो मैं शूट पे थी, मुझे शूट, ये हॉस्पिटल्स वाले ना, क्या बोलूँ मैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो आप मर जाओ, ये सिर्फ पैसा बनाते हैं. और ये जब पैसा बना लेते हैं ना, दारुल सेहत हॉस्पिटल में बताओ, और मैं बिल्कुल खुला बोलूँगी, मुझे कोई वो नहीं है. तो वो उस हॉस्पिटल में था, उन्होंने बिल्कुल पैसा बनाया. जब पैसे बन गए तो उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा नहीं आपका पेशेंट तो आप ले जाएँ प्लीज़, ये तो ठीक है बिल्कुल. हमने कहा नहीं है ठीक, ये उन्होंने कहा नहीं ठीक है. तो हम उसको उस दिन घर लेकर आए थे और उस दिन मेरे कज़न्स और किसी ने, मेरे दोस्तों ने और पापा के फ्रेंड्स ने बोला इसको SIUT लेके जाओ. ओके. तो हम SIUT लेकर गए और जब SIUT में वो सारे टेस्ट जो दारुल सेहत में एक टाइम, लंबे टाइम से चल रहे थे और वो इलाज चला था, उन्होंने SIUT ने एक दिन में, एक रात में वो सारे टेस्ट हमें ला के दे दिए जो हमने लाखों में करवाए थे. तो मैंने कहा यार पहले ले आते, बट वो बाद में लेके गए. लेकिन जब तक हम लेके गए थे तो उन्होंने कहा किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर ने कहा अगर इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होता तो फिर हम इसको एडमिट करते. ओके. तो किडनी में तो उन्होंने डायलिसिस हो चुका था तो नहीं था कुछ मसला. हम उसको घर लेकर आ गए. जब घर लेकर आए तो डॉक्टर ने ये रीज़न बताया कि उसका शुगर लेवल लो हो गया था. जब उसका शुगर लेवल लो हुआ तो वो चला गया. तो मैं शूट पर थी, मुझे शूट पर कॉल आती है. मैं आज तक अपने उस दोस्त से बात नहीं करती जिसने मुझे न्यूज़ दी थी सबसे पहली दफ़ा, मैं आज तक नहीं बात करती. तो उसने मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बताया कि वो ऑब्वियसली घर वालों का एक, अम्मी बहुत ज़्यादा टूट गई थी. अम्मी आज तक बहुत, वो जब बताया गया ना तो मुझे फ़ोन आता है कि वो घर आ जाती. मैंने कहा क्या हुआ है मुझे बताओ. कह रही घर आ जाओ. मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ है. मेरी बहनें बोल रही हैं बस जल्दी आओ. मेरी दो दोस्त थे मुझे लेने के लिए आ गए क्योंकि उनको पता है शहर को. मैं पागल हो गई थी उस दिन. जब मैं चीखी हूँ. मैंने कहा उन्होंने कहा कि नहीं. मैंने कहा मुबीन को कुछ हुआ है, मुबीन को कुछ हुआ है बता दो मुझे. उन्होंने कहा नहीं मुबीन को कुछ नहीं हुआ, आ तुम घर आओ. मैंने बोला मुझसे कसम खाओ मुबीन को कुछ नहीं हुआ. उन्होंने बोला कसम खुदा की मुबीन घर पे. और जब हमारी मेरी गाड़ी घर जा रही थी तो उसको वो वहाँ से नहलवा के लेकर आ रहे थे. तो उसको लेके घर गए, फिर बस चला गया जल्दी. आई नो, आई थिंक माँ बाप के लिए भी बहुत इम्तिहान होता है और बहन भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा कि वो इतनी छोटी उम्र पे. हाँ, और दूसरी बात यह कि अम्मी का बहुत लाडला था. मुझे ये अफसोस है कि मैंने ड्रामा किया, मेरा ड्रामा नहीं देख पाया. और उस वक्त तो ऑन एयर था लेकिन ऑब्वियसली वो बीमार रहता था, घर वाले भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे. मैं पूरा दिन बाहर रहती थी. तो मुझे ये कि मैं उसको टाइम भी नहीं दे पाई इतना. और बट पता नहीं होता ना, आपने जानबूझ के तो नहीं, आपको नहीं पता होता. नहीं पता होता. लेकिन यू कंटिन्यू शूटिंग सांवरी, उसके बाद मुश्किल हुआ होगा बहुत. हाँ, बिल्कुल. फोकस करना अपने आप को वापस उस जगह पे लेकर आना. मैं एक डेढ़ हफ्ता नहीं शूट पे गई थी. मैं बस दैट्स ऑल. मैं तो बहुत ब्रेव है. डेढ़ हफ्ता, वो भी बहुत ऑनियर का प्रोजेक्ट था और डेढ़ हफ्ता भी
बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए, बट मैं बिल्कुल यू नो क्वारंटीन हो गई थी. हाँ नहीं मुझे हाँ. तो लगता है डेढ़ हफ्ता भी बहुत कम है यार, बहुत बाहर क्वारंटीन हो गए. तो दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली देखो हम तो निकल जाते हैं, हम तो जब बाहर जाते हैं बिजी लाइफ देखते हैं और फिर हम अपने आप को कहीं बिजी कर लेते हैं और हम कहते हैं नहीं यार यही जिंदगी है शायद. सब हमें बोलते हैं वो हमसे बहुत बेहतर जगह पर, बहुत अच्छी जगह पर अल्लाह के पास, तो हमसे बेहतर तो और बहुत तकलीफ में था. सबसे बड़ी बात निकल गया उस तकलीफ से. और अब जब अम्मी को हम देखते हैं, अम्मी रोज़ कब्रिस्तान जाते हैं, तो अम्मी को कहते हैं अम्मी रोज़ नहीं जाया करें, तो अम्मी को अगर हम कभी मना कर देना अम्मी नाराज़ हो जाती है. अम्मी कहती हैं वो मेरा बेटा है और वो ज़िंदा है, मैं जाऊँगी उसके पास. तो वो रोज़ कब्रिस्तान जाती हैं, फूल बिछाती हैं, वहाँ डॉगीज आते हैं, उनको खाना खिलाती हैं, बिस्किट्स वगैरह ये वो, तो वो सब करती हैं. अभी आज उसकी बरसी है मुबीन की, तो आज वो अम्मी ने देख शेख घर में पूरा इंतज़ाम करवाया था. तो मदरसे के बच्चों को हम बुलाते हैं जब उसकी बर्थडे होती है तब भी, और जब उसकी बरसी होती है तब भी. तो वो घर पे मदरसे के सारे बच्चे को बुला के उनको खाना खिलवा के और बहुत सारी मस्जिदों में देगे भिजवा के और खाना वगैरह का हम कुछ करते हैं. और उसके कपड़े हर ईद पे आते हैं, उसकी उसके कपड़े हर बर्थडे पे आते हैं, उसकी चप्पलें हर बर्थडे पे आती हैं. हम सब बच्चों की आती है, उसकी भी आना वो अभी तक उसकी भी, और हम उसकी हर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. अब उसको 3 साल हो गए लेकिन हम उसकी हर बर्थडे सेलिब्रेट. तो रावे बहुत सब्र आ गया, लेकिन जब वो शुरू का वक्त था ना तो ऑब्वियसली समझ ही नहीं आती, इमोशनल हो गई थी. मुझे कुछ कुछ बोलते थे मैं रो जाते थे. अब तो खैर ऑब्वियसली टाइम गुजर जाता है और अल्लाह के पास हर किसी ने जाना है. तो अगर हम ये बोले ना कि यार वो चला गया, कभी कभी अम्मी अबू भी बोलते हैं ना कि हमने भी तो जाना है, तो वो एक झटका लगता है आपके दिल को. दिल आपका हाथ में आ जाता है कि क्या बात हो गई है. नहीं भाई अब नहीं है हिम्मत किसी को खोने की, बस साथ रहो. सही बात है, कहते भाई हम चले जाएं पहले, आप लोग रहो दुनिया. आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अ ब्रदर और मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला ना आप तो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, माँ बाप उसमें ही रहते हैं. उस लॉस का तो एक वो ग्रीफ होता है, बट अपने माँ बाप को उस लॉस के थ्रू गुजरते हुए देखना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है. बिल्कुल, आप उनको उस दर्द से निकाल नहीं पाते. नहीं निकाल वो माँ, मैं कहती हूँ ये ऐसा इम्तिहान अल्लाह ताला बस सब पे. अच्छा मेरे घर में ना उसकी तस्वीरें लगी हुई सब फैमिली मेम्बर्स की ना, तो वो कभी कभी जब हमारा टीवी भी है लाउंज में तो वहाँ पे भी पिक्चर, जब टीवी भी चल रहा होता है ना अचानक नज़र चली जाती है उस पर, नज़र जाती है तो वो याद आ जाता है. और इतनी सारी बातें, बस मुझे एक अफसोस है कि उस दिन ना मैं उसके पास नहीं बैठ सकी. मुझे शूट पे जाना था और मैंने उसको कहा बीच में, तो मैंने कहा था मैं शूट छोड़ दूंगी शूट की वजह से मैं, फिर मैंने कहा यार ये बहाने होते हैं सिर्फ, जाने वाले चले जाते हैं फिर आप कोसते रहते हो. अच्छा उस मेरे पापा के लिए तो ज़्यादा हार्ड था क्योंकि मुबीन से पहले मेरे चाचू की डेथ हुई थी. तो पापा ने वन आफ्टर द अदर, तो फिर उनके लिए तो वो जब चाचू की डेथ हुई थी ना तो चाचू पे पापा ने उनको, पापा और जब मेरी पापा और अम्मी की शादी हुई थी तो वो इतने छोटे से थे, तो अम्मी ने उनको नहलाया है, अम्मी ने उनको बड़ा किया है, तो वो भी एक बेटे की तरह थे. तो अम्मी का बेटा नहीं हुआ था लेकिन अम्मी उनको बेटे की तरह पालती थी. तो वो एक बहुत टफ, तो पापा के लिए ना पापा हमेशा कहते थे वो मेरा बेटा है. तो वो जहाँ मेरी बड़ी बहन है तो वो कहते थे ये भी मेरा बेटा है. तो वो पापा के लिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया और फिर बेटा, और इतनी जल्दी जल्दी हुआ. कहते ना कि आप, अच्छा मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता मेरे खानदान में कभी किसी की डेथ हुई हो और मुझे याद हो वो डेथ. रोई नहीं कभी, याद ही नहीं है, बच्चे थे याद ही नहीं है. जब चाचू की हुई ना तो दिल बंद हो गया कि यार ये क्या, ये भी कोई चीज़ होती है. जब डेथ होती है तो घर का माहौल अजीब हो जाता है, इतना हंसी खल्ला गुल्ले वाला घर और अचानक ही हो जाता है. फिर कुछ अरसे बाद जब मुबीन चला गया तो हमने बोला कि हर किसी को जाना है, फिर तैयार हो गए कि यू नो ऑलवेज आप लोग रेडी रहें. आपको नहीं पता आपके अपने कब चले जाएं, तो जितना वक्त दे सकते हैं दे दें, जितना प्यार कर सकते हैं कर लें, जितना उन पे लुटा सकते हैं लुटा दें यार. फिर कब वो वक्त आए या ना आए या क्या पता चला जाए. और हमेशा आपको तभी अफसोस होता है जब उस वक्त चला जाता है, आप कहते यार काश उस वक्त ये कर लेती, उस वक्त वो कर लेती, उस वक्त ये कर लेती. बस अल्लाह आप सबको बहुत बहुत हौसला दे और आप लोगों को इस, मतलब ये मुझे लगता है तो जिंदगी भर के लिए एक मुश्किल टाइम होता है, बट और अल्लाह उनको अपने पास बहुत प्यार से रखे. आमीन आमीन. आपके भाई को भी आमीन. जय, मुझे ये बताएं इंडस्ट्री में जब आप आई तो आपको लगता है आपको अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ा या नहीं, जैसी शहर आई थी वैसी ही है शहर आज भी? अच्छा मुझे आज तक लोग बोलते हैं कि मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ. अच्छा, चुरबुली सी, हंसी मजाक करने वाली, और मैं हूँ बहुत पटाखा शुरू से ना, तो हर कोई मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखता है कि अब कुछ बोल देगी अब कुछ बोल देगी. तो वो मैं शुरू से ऐसे ही हूँ. लेकिन हाँ मेरी एक्टिंग में थोड़ा ठहराव आया है. मुझे पता चला है कि कहाँ, ये एक्टिंग एक गेम है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब कौन सा चौका मारना है. तो वो सारी गेमिंग आ गई है.
मेरा सवाल भी यही था, मैं ये कह रही थी कि मेरी जर्नी, क्योंकि जब शुरू में आप जब शुरू में बहुत सारे एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो आपको थोड़ा टफ लगता है, ऑब्वियसली आप न्यू होते हो, आपको चीज़ों का नहीं पता होता और वो मंजे भी होते हैं सारे, और उनके साथ सर्वाइव करना, फिर ऑब्वियसली आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। तो जब मैं शुरू में थी ना, तो जब मैंने सांवरी किया ना, तो उस सांवरी में जो मुझे खुशफहमी हो गई थी कि यार मुझे सब कुछ आ गया है, वो गलत था, और वो अच्छा हुआ कि मेरा बहुत जल्दी वो भरम टूट गया, मुझे पता चला कि नहीं ऐसे है, तुम्हें अभी अपने आप को प्रूव करना है। तो बहुत सारे लोग एक्टर बन जाते हैं, एक ड्रामा करते हैं, कहते हैं हम एक्टर बन गए, नहीं यार, एक्टर है ही नहीं, हर कैरेक्टर को तुमने हर नए दिन प्ले करना है। कल को क्या पता मैं राबिया के जैसी एक लड़की को प्ले कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे राबिया को पढ़ना होगा कि राबिया कैसी है, या क्या पता मैं फराह को कर रही हूँ, तो यू नो एक्टिंग का तो कभी ख़त्म ही नहीं है, आपने हर दिन सीखनी है एक्टिंग। सही बात है। तो बस मुझे ये चीज़ जल्दी ही समझ आ गई। अच्छा, जब मेरा सांवरी ऑन एयर हुआ था बहुत खुश थी। अच्छा, मैंने कहा घर वालों के साथ नहीं देखूंगी, दोस्तों के साथ देखूंगी। अब ना घर वाले तो बहुत वैसी इतनी बेइज्जती करते हैं, तो मैंने कहा यार घर वालों में नहीं देखूंगी, उन्होंने बहुत बजानी है। मैंने कहा यार दोस्तों के साथ, दोस्त दोस्त उनसे डबल, वही मैं वो गलती मुझसे हो गई। हम बैठे हुए सारे टीवी देख रहे हैं, सब लगा हुआ टीवी, सांवरी चल रहा है भाई, सांवरी। मैंने कहा ये मैं आई। अच्छा, वो थोड़ी लड़की ऐसी थी कि चोरी वोरी करती थी, इस तरह की लड़की थी। जब मैंने अपने आप को देखा ना, मैंने बोला एक सेकंड रुको, वाह। मैंने कहा ये मैंने क्या काम किया है। मैंने बोला एक सेकंड प्लीज़ तुम लोग मत बोलना, ये लो वाह। खुद ही आपने सोचा इससे पहले कि प्लीज़ तुम लोग कुछ मत बोलना, मैं वैसे ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही, मैंने इतना बुरा काम किया। जब मैंने पहले एपिसोड देखी ना, मैंने कहा यार ये तो मैं इतने टाइम से जो इंतज़ार कर रही थी, ये निकला है, खुदा पार निकला, चूहा। इतना मुझे बुरा लगा। ओह गॉड। तो लेकिन मेरी आदत है, जब मेरा कोई ड्रामा ऑनर होता है तो मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोगों को कैसा लग रहा है। चलो मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मुझे बुरा लगा, उल्टी आ गई, लेकिन लोगों को कैसा लगा। तो मैंने कमेंट्स पढ़े, तो कमेंट्स भी बिल्कुल वही वाले थे जो मैंने रिएक्शन दिया। ओह गॉड, इतने बुरे कॉमेंट थे। लोगों ने बोला ओवर एक्टिंग की दुकान, ये वो। तो वो मुझे थोड़ा, यार मैं वैसे कहती हूँ आप लोगों को बड़ा हौसला है। थैंक यू। लेकिन बहुत हौसला है कि एक तो दो बातें आपने बोली, एक तो ये कि ये रिएक्शन पब्लिक का, हाँ, बिल्कुल, और फिर दूसरा इतने बड़े बड़े एक्टर्स या जो भी आपसे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं उनके सामने बर्दाश्त करना, चिपके रहना उस जगह पे, 8 टेक्स देना। अच्छा, तो वो एक टेक देखे, मैं नहीं, आई रियली हैव ग्रेट एडमिरेशन, इसलिए मैं कहती हूँ कोई एक्टर नहीं बन सकता। लोगों को लगता है एक्टिंग बहुत आसान है, नहीं है एक्टिंग आसान, आपका हर दिन एक नया चैलेंज है और आपको उसको करना है, और हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता होती। लोग कॉमेंट तो कर देते हैं और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है आप लोग कॉमेंट किया करें, क्योंकि हमें पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, जब मैंने सांवरी देखा ना, तो मुझे अपनी एक्टिंग में, मुझे बाकियों का काम बहुत अच्छा लगा, ड्रामा बहुत अच्छा था, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगा। और ये मुझे लगता है ये एक्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जब उसने अपने आप में गलती देख ली। मैंने पहले दिन ही अपने आप में गलती देख ली और मैंने कहा कि मैं वो बताऊंगी नहीं, मैंने किस चीज़ पे वर्क किया ये तो मैंने बताऊंगी नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, मैंने कहा इस चीज़ पे वर्क करना है। ओके। और मैंने जो वर्क किया, फिर अगर आप सांवरी के कुछ एपिसोड शुरू की हटा के बाद की देखें तो लगेगा नहीं कि पहली इसने कभी काम नहीं किया हुआ। मैंने फिर और फिर वो रेटिंग पे रेटिंग माशाल्लाह प्रोजेक्ट दे रहा था, हिट जा रहा था, और वो लॉन्गेस्ट सोप था। यस। तो ये एक बहुत बड़ी वो अचीवमेंट थी, फिर 2 अवार्ड्स भी मिले हमारे उस प्ले को। यस। तो वो फिर जब नकबजन किया ना, तो नकबजन में मुझे मेरा काम अच्छा लगा। मैंने कहा यार अब शहर अब लग रही हो तुम, हैं अच्छी। तो अच्छा, इससे पहले हम मुश्क पे आए, बिल्कुल ये बताएं विमेंस राइट हमारी इंडस्ट्री में कैसे ट्रीट करते हैं, औरतों को इक्वल राइट्स मिलते हैं या कुछ होती है कि नहीं मर्द एक्टर है तो ज़रा ज़्यादा, कास्टिंग काउच, फेवरेटिज्म, इन सब टॉपिक्स के बारे में बहुत बातचीत सुनते हैं, कहीं कभी कहीं से आता है कभी नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तक बीइंग अ न्यू एक्ट्रेस, एंड आपने क्या फेस किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप क्या कहना चाहेंगी इन सब टॉपिक्स पे? अच्छा, देखिए जो सारी चीज़ें आप बोल रही ना वो हर फील्ड में होती हैं, तो मैं डिनाई तो नहीं करूँगी कि ये नहीं होता। हाँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जर्नी बड़ी स्मूथ चली है। मुझे बैक टू बैक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और बिना मेहनत के या बिना किसी को मैंने बोलने के मुझे हीरोइन बनना है, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया और अल्लाह ताला हमेशा मेरे साथ ये कि मेरी हर दुआ कबूल होती है। मैंने आज तक बचपन में भी कोई दुआ मांगी होगी ना तो मुझे याद है, आगे जाके कुछ तो ऐसी भी दुआएं हैं मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वापस दे दो, ये मैंने क्यों मांगी थी, मांग ली थी बचपन में, मांगी थी अल्लाह ताला। तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती होंगी बिल्कुल, और मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें देखी कि जो एक्टर सीनियर होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। ओके। जब कोई न्यू आता है उसको अपने आप को प्रूव करना होता है, अगर वो प्रूव नहीं करेगा ना तो फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो मैंने
तो पहले प्रोजेक्ट में तो सब न्यू थे, तो इस तरह की मैंने कोई चीज फेस नहीं की. यू नो पहला प्रोजेक्ट है, सांवले में सारे बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे थे, फिर दोस्ती भी अच्छी और फिर कामरान भाई भी बहुत अच्छे थे, तो हमने वो प्रोजेक्ट स्मूथली निकाल लिया, कुछ हुआ ही नहीं. अच्छा जब सांवरी हम कर रहे थे ना, तो हम सबको पता थी ये बातें कि हमारे पीछे ये बातें होती हैं कि नए एक्टरों को ड्रामा दिया और मतलब नई जनरेशन को कैसे लॉन्च कर रहे हैं और आता कुछ भी नहीं है इनको, ये वो बहुत सारी बातें हुई. तो हम बड़ा डिसअपॉइंट होते थे, हम बैठते थे, हम कहते थे यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सारे बच्चे हम इतनी मेहनत करते हैं और मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी. कहते थे चुप हो जाओ. कहती थी क्यों बोलते हैं लोग ऐसा. लेकिन अल्लाह ताला ने देखे कितनी इज्जत दी उस प्रोजेक्ट में. कह रही हूँ इट्स वन ऑफ द बिल्कुल. तो मैं कहती हूँ कि आपको नहीं पता, आप लोगों के बारे में बोलते थे कि यार उसको आता नहीं और उसने कर लिया. आपको नहीं पता उसने कितनी मेहनत की होगी, आपको नहीं पता उसने कितना मेहनत, लड़के ने कितनी की होगी. लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो सीनियर्स हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है बनस्बत. मैं आज देखती हूँ कि फॉर एग्जांपल अब तो माशाल्लाह मेरी बहुत लोग शुरू से मेरी बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखती हूँ ना जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो हमसे थोड़े छोटे रोल करते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको. वो तो फिर क्या होता है कि वो उनको कमरा भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, तो वो शायद ये फील करते होंगे कि फेवरिज्म मिल रहा है. बट नहीं, अगर आपको स्टेज पे पहुंचना है तो आप फिर अपने आप को प्रूव करो, आप मेहनत करो और अल्लाह तो मेहनत का सिला देता है, इसका तो अल्लाह ने वादा किया. तो फेवरिज्म है, होगा, बिल्कुल होगा. बट मैंने इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं की, तो मैं क्यों बोलूँ कि यार मैंने ये चीज़. मैंने हाँ इस तरह की चीज़ें फेस की हैं कि डायरेक्टर के कुछ फेवरेट होते थे, कुछ डांट खाते थे, तो मैं कहती थी कि अच्छा वो सीनियर हैं तो इसलिए आप उनको नहीं बोल रहे. मैं नहीं हूँ तो आप मेरे पे बस चलता है तो मुझे बोल देते आप. अच्छा मैं बहुत ऐसे बोल देती हूँ. तो कहते थे नहीं अल्लाह की बंदी ऐसा नहीं है. तो बस फिर यही सारी चीज़ें हुई और बड़ा अच्छा रहा सारी चीज़ें. मुश्क बहुत अच्छा मेरा प्रोजेक्ट था. तो उसमें बहुत अच्छे सारे एक्टर्स मिल गए, सब चीज़ें हो गई. तो मैं सीखती गई वक्त के साथ साथ. मैंने कुछ चीज़ें देखी कि कभी कभी जब क्या बोलना चाहिए. क्या आपने एक और सवाल किया था, क्या किया था? मैं खुद भूल गई, मैं इतनी उससे सुन रही हूँ आपकी बात. मैंने यही कहा था कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपको बिल्कुल करती होंगी. देखिए हम सुना है कहीं आसपास या किसी अपने आस पास होते हुए सुनते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना. मैं तो बाहर भी जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हैं. मैं उस पर बिलीव करती हूँ. अगर मैं खुद अपनी आंखों से कोई चीज़ देखूँ ना, तो मैं तो वो बिल्कुल ओपनली बोलूँगी कि हाँ मैंने ये देखा था या मैंने ये सुना था. नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन की कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय प्रोसेस या बाय नेचर ऑफ द एग्जैक्ट होती हैं, उसको वो लोग फेवरेटिज्म समझ रहे हो, तो आप विच वाज राइट. अच्छा मुझे बताएं सर, आपको फील होता है ये प्रेशर कि आपको अपने आप को इस इंडस्ट्री में एक डिग्निफाइड पोजीशन में रखना है बीइंग अ फीमेल, कि कोई आपकी बात का गलत मतलब ना ले ले, गलत तरीके से आपकी हंसी मजाक को, ये फेस करती हैं? आपको लगता है ये प्रेशर है? मेरा ख्याल और अगर है तो आपने कोई बाउंड्रीज की नहीं है क्रिएट अपनी? और आप नई एक्टर्स लड़कियाँ जो आ रही होंगी उनको क्या एडवाइस देंगी? बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो हर लड़की फेस करती है कि अगर वो किसी से भी हंसी मजाक ज़्यादा कर लेना तो लोग उसको गलत वे में समझ लेते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग के लिए ना आपको ओवर होना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको एक्टर बनना है आप अपनी एक्टिंग पे फोकस करें, आप अच्छे एक्टर बनने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि आप अपनी इन्वायरमेंट को कि यू नो मैं अगर मेरी उससे दोस्ती होगी या यू नो मेरा वो होगा कि मैं अगर इनकी गैदरिंग्स में बैठूंगी तो शायद मैं इनकी गुड लिस्ट में आ जाऊँ. तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो मेरा यही है कि आपको इवन अच्छा बैंकर भी बनना है, अच्छा कुछ भी बनना है, उसके लिए आप पहले उसको स्टडी करो. तो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा हाँ मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ. लेकिन ये चीज़ जब सांवरी में थी तो उस वक्त सारे अच्छे दोस्त थे, तो वो आज तक वैसी दोस्ती नहीं है इंडस्ट्री में मेरी किसी से भी. जब मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मैंने ना लिमिट डिसाइड कर ली कि सेट की चीज़. ये मुझे एक एक्टर ने बात सिखाई थी कि सेट पे जब हम हैं ना तो वो सेट है. आप हंसी मजाक सेट पे करोगे क्यों? क्योंकि आपको अपनी केमिस्ट्री स्क्रीन पे अच्छी दिखानी है. बिल्कुल. अगर आप इतने सीरियस सेट पे रहोगे और आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो वो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा. लेकिन जब आप घर जा रहे हो ना तो फिर फ़ोन पे किसी का मैसेज ना आए. आपको पता होना चाहिए कि सेट की चीज़ सेट पे है, घर तक उस चीज़ को ना लेकर आओ. और यही मेरा भी है. मैं जब सेट पर होती हूँ तो वो सेट की चीज़ें सेट पर होती हैं, चाहे हंसी मजाक हो चाहे कुछ भी. और माशाल्लाह से मैंने हम टीवी के साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला. अब मैं सेवन द स्काई के साथ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं अगर कहीं एडजस्ट हो जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ अभी यहीं रहो. मैं बहुत जल्दी न्यू जगह पर जाकर, मुझे अभी बहुत सारे चैनल्स कॉल करते हैं तो मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ कि यार मैं अभी नहीं एडजस्ट कर सकती. मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो ठीक है.
तो माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं बोल देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी को कोई बात बुरी ना लगे। इट्स बेटर कि मैं अपनी बाउंड्री सेट कर लूँ कि मुझे पता है यार मुझे इससे इतनी बात करनी और इतनी बात नहीं करनी। इतना मजाक, देखिए मजाक में और ओवर होने में फ़र्क है। फर्क है। अगर मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ ना और हंसी मजाक कर रही हूँ तो वो मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर मैं फ्रैंक हो रही हूँ किसी से और मैं ज्यादा फ्री हो रही हूँ उसमें फर्क है। फर्क है तो वो मैं कभी उसमें डिस्टेंस एग्जैक्ट। और यही वजह है कि शायद मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ, मेल एक्टर्स के साथ काम किया तो वो मुझे बोलते हैं छोटा पैकेट, छोटा बच्चा, ये वो, इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो ये चीज है। चलिए, मुश्क कैसे आया? अच्छा, मुश्क मैं और दूसरी बात, ये मुश्क आपने लिया क्यों? बिकॉज उस वक्त तक आपके मुश्क वाज़ अ फोर्थ प्रोजेक्ट, राइट? या थर्ड? एग्जैक्टली फोर्थ। हाँ, तो उससे पहले आप लीड कर रही थी। मैंने पहला किया था सांवरी, फिर नकबजन, फिर वफा कर चले। वफा कर चले में आप लीड था? बिल्कुल, सांवरी भी लीड था और नकबजन में भी ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेकंड लीड था। सेकंड लीड था। अच्छा, मुश्क में आप, देयर वाज सो मेनी एक्टर्स। मुश्क की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैं MD के ऑफिस में शूट कर रही थी और वफा कर चले की शूट चल रही थी। तो वहाँ मैंने इमरान अशरफ को देखा ना, तो इमरान अशरफ आए, वो ऐसे मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मुझे वो पसंद थे। मैंने उनको कहा, मैंने उनको बोला आपने बहुत अच्छा काम किया भोले में, उन्होंने बोला थैंक यू। तो मैंने बोला अल्लाह ताला, मतलब मैं कब काम करूँगी इमरान अशरफ के साथ यार, मतलब अल्लाह ताला बस करा दें। मैंने ऐसी क्यूटली दुआ अल्लाह ताला से मांगी, मुझे नहीं पता वो अल्लाह ने इतनी जल्दी कबूल कर दी। अगले ही दिन हमारी वहीं शूट थी, तो मुझे महेश भाई बुलाते हैं, कहते हैं एक प्रोजेक्ट, वो ऐसे आते हैं, एक प्रोजेक्ट है। मैंने कहा क्या, लीड पे कौन? वापस कह रहे लीड पे तुम हो। कह रहे तीन हीरो है ना, तीसरी तुम हो। उन्होंने पहला बताया उर्वा, दूसरा बताया मोमल शेख, तीसरा बताया मैं। मैंने कहा महेश भाई डन है, डन है, क्या बाद में बात करेंगे, डन है। तो महेश भाई ने कहा कि लेकिन फिर भी मैं जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेती हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ती हूँ हमेशा, और मुझे पता होना चाहिए मेरा कैरेक्टर क्या है। ऐसे नहीं, कभी कभी हम एक्साइटमेंट में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में स्क्रीन पर आते हैं, हमें लगता है कि यार ये क्या कर दिया। तो मुश्क जब उन्होंने मुझे मेरी स्टोरी बताई ना, मुझे स्टोरी बहुत अच्छा। आप अगर मुश्क देखें, मैंने तो देखा है मुश्क। सबसे अच्छा ट्रैक किसका है? मैं तो आप सामने बैठी हूँ, आपका ही बोलूंगी। अच्छा, ये बात है। I'm just pulling your leg. नहीं, बट आपने भी बड़ा, रोशनी ने ऐसे कैप्चर करके रखा था, रोशनी के सीन सा भी आ रहा था और तर्स भी आ रहा था। एक लड़की को दिखाया है, मतलब यार वो एक लड़की है, वो एक लड़के से मोहब्बत करती है और वो लड़का आपको जाके भेज देता है कहीं पर, और बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके बाप से बदला ले। हाँ। मुझे वो हिट किया प्रोजेक्ट, मैंने कहा यार, मतलब दिल पे लग गई। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। और फिर दूसरी बात, इमरान अशरफ का जब मुझे पता चला ना कि वो इमरान अशरफ इसमें हैं और वो आपको रेस्क्यू करेंगे, मतलब अल्लाह ताला ने तो छप्पड़ फाड़ दिया। पहले पूछा इमरान अशरफ के साथ मेरे सीन्स हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, फिर इमरान अशरफ की सबसे अच्छी बात ये है, और मुझे वो बहुत अच्छे इसलिए भी लगे क्योंकि वो एक तो राइटर भी थे और उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे, बट एज अ राइटर वो हर कैरेक्टर के पास जाते थे और उनको पिच करते थे कि ये आपका कैरेक्टर है। तो जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि वो आप आ जाए, हम मुझे हमने बात करनी है ना मुश्किल। तो मेरी तो हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने कहा जी। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा वो मेरा सीन चल रहा है, मैं सीन के, उन्होंने बोला हाँ शौक कोई बात नहीं। तो मैं फिर तीसरी दफ़ा वो मेरे पास, दूसरी दफ़ा आए तभी मेरा सीन चल रहा था, तीसरी दफ़ा ना मुझे बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला शाम में प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक दें, मुझे जरा उनसे बात करनी है। मैं उनके पास गई, मैंने कहा मेरे पास 10 मिनट है लगे, ऑनेस्टली मैंने उनको कहा मेरे पास 10 मिनट है और ना हम जल्दी मीटिंग कर लेते। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने मुझे बोला 10 मिनट में नहीं समझा सकता मैं आपको, आप कोई बात नहीं, हम कॉल पर बात करेंगे। जब उन्होंने मुझे ये बोला ना, मुझे लगा मजाक कर दिया उन्होंने, मेरे से कॉल नंबर है ही नहीं, कॉल कैसे करेंगे। फिर वो मेकअप रूम में आया, उन्होंने मुझे बोला कि गिव मी योर नंबर, आई विल कॉल यू एंड वी डिस्कस द स्क्रिप्ट। तो मैंने कहा हाँ श्योर। मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रोशनी का कैरेक्टर मुझे ब्रीफ किया और इतने अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़ मुझे बताई कि तुमने ये रखनी है, ये रोशनी की ना ये प्लस, ये इसके पॉइंट हैं और ये सारी चीज़ है। और फिर जब मेरा पहला दिन शूट का था तो इमरान अशरफ उस दिन भी आए हुए थे, और हालांकि मैं उनको कहती थी आप रोज़ आते हैं, आपके सीन्स भी नहीं होते, आप फिर भी आ जाते हैं सेट पे, तो वो इतने अच्छे हैं, वो रोज़ आते हैं सेट पे। रोज़ आते हैं, उनका प्रोजेक्ट है ना, इज़ अ राइटर, ही वांट्स टू सी। देखिए ना ये कितना, इससे सिंसेरिटी पता चलती है कि आप कितने सिंसेयर हो। और फिर एहसन भाई डायरेक्ट कर रहे थे, तो एहसन भाई थोड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, लेकिन अच्छा, एहसन भाई स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर वो उनको नहीं समझ आएगा ना तो वो कहेंगे नहीं दोबारा करो, ठीक है। और वो एक एक चीज़ बताते हैं करके, तो मैं
हमेशा ना स्क्रिप्ट लेके उनके पास चली जाती थी, मैं कहती थी ऐसा में जरा करके दिखाना, तो वो रोशनी बन के ना मुझे करके दिखा देते तो कहती थी क्यूट। तो फिर मैं इस तरह से वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो गया और मुझे अच्छा फीडबैक मिला। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त वो लीड नहीं था या मैं टाइटल पे नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम मुश्किल इतना अच्छा ट्रैक था और क्यों टाइटल पे नहीं हो, एक दुल्हन बना दी छोटी सी, वो दुल्हन मैं थी जो बनी हुई थी। तो ना मैं जब अपने घर वाले मुझसे पूछते हैं ना टाइटल पे नहीं हो, मेरी बहन बहुत मजाक उड़ाती है, मुझे बोलते हैं तुम टाइटल पे नहीं हो, मैंने कहा जो दुल्हन है ना ये मैं हूँ, चल चल चेहरा तो है नहीं दुल्हन का ना पर्दे में, मैंने कहा वो अभी है, हाँ बस रहने दो। तो वो इतना मजाक उड़ाया उन्होंने मेरा, मेरे घर वालों ने इस बात का, मेरी बहनों ने, मेरी अम्मी अब्बू तो कभी भी नहीं करते, मामा पापा तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं काम को। तो इतने एक्शन सीक्वेंस जो, तो कहीं चोट वोट लगी कुछ? ओहो मुश्क में मुझे बहुत सीढ़ियों से पकड़ते हुए जा रही हैं। और आपको पता है मैं बहुत मुझे ये लोग समझाते हैं कि जब एक्टिंग कर रही हुआ करो ना तो अदाकारी किया करो, इतना रियल मत किया करो कि वो बाद में लेने के देने पड़ जाए। तो वो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मेरे कुछ सीन्स होते हैं, उसमें इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुश्क में जब वो भागने और इसके मुझे असली में चोटें लगी हैं और मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, अगर मैं गिर भी जाऊँ तो मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ, जो लड़कियाँ होती हैं ना कि लग गई वैसी वाली मैं नहीं हूँ। तो वो मुझे चाहे बड़ी से बड़ी चोट लग जाए ना तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं हुआ, चोट लगी यार ठीक हो जाएगी मेरा। आपको पता है मुश्क में सबसे बड़ा जो मेरे साथ हुआ था, मेरा ये अंगूठा वीगो में आ गया था और ये थोड़ा सा यूँ हो गया था, ये तो बहुत दर्द होती है। ये पता क्या हुआ, मैं उतरी और वो इमरान अशरफ के साथ ही था, मैं उतरी और वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद हुआ ना तो वो मेरा पूरा थंब अंदर आ गया और मैंने कुछ भी नहीं किया, वो उन्होंने पत्ती वगैरह डाली और पता नहीं क्या क्या किया और मुझे शूट पैकअप करते। मैंने कहा नहीं अहसन भाई हम इतनी दूर आए शूट पैकअप नहीं होगी, काम होगा। तो वो उनको इतनी अच्छी बात लगी, वो आज तक मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यार मतलब इसका अंगूठा आ गया था पूरा और इसने पकड़ के इसने सीन्स कराए, इसने बोला कोई बात नहीं। और वो हिनान अशरफ इतने क्यूट हैं, मुझे कह रहे थे कहते सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ये असली 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 वाला रोल है ना, अब तो दर्द भी हो रहा है तो सीन नेचुरल हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरा तो सीन निकला है, उन्होंने नहीं वो वैसे वाले नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुमने बहुत अच्छा सीन किया। तो ऑब्वियसली वो दर्द भी हटा रहे थे कि यू नो निकल जाए था उनसे, छोटों की तरह ट्रीट करते हैं मुझे। बस वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, इमरान अशरफ, एहसन भाई, उर्वा माँ, मोमल शेख बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी बहुत प्यारी इंसान है वो, तो बहुत मज़ा आया सब। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इमरान अशरफ एंड उर्वा? अच्छा मैं कभी भी किसी के साथ काम करती हूँ तो मैं उनकी एक्टिंग ज़रूर देखती हूँ, मैं देखती हूँ ये क्या करते हैं ऐसा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी ना, जब मैं नकब जन करी थी तो मैंने सबूर से देखा था कि वो क्या करती है। फिर जब मैंने ये मुश्क किया तो मैंने उर्वा को देखा, मैंने मोमल को देखा, और उर्वा अच्छी एक्ट्रेस हैं, इमरान अशरफ तो ऑब्वियसली अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो। तो जब मैं उनको देखती थी ना, मैं देखती थी यार ये आँखों की गेम होती है, ये आँखें ले जाती हैं सीन, ज़रूरी नहीं हर सीन में डायलॉग्स हों और ये पॉजेज और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, आपको पता होता है। और ऑब्वियसली आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हो तो आपने वो कॉपी नहीं करना, आपने अपना इनपुट डाल के उसको इतने अच्छे से डिलीवर करना है कि वो लगे कि वो आपका स्टाइल है। रंग महल कैसे आया? मैं एक फिल्म कर रही थी जियो के साथ, टेली फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ। तो उससे पहले मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था रंग महल। तो जब रंग महल की स्क्रिप्ट आई तो उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अच्छा मुझे हर कोई कहता है बस तुम कर रही हो, कोई पूछता नहीं है करना है नहीं आप कर रही हैं। तो उन्होंने प्यार है उन लोगों का, कितना प्यार करते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि सहर कर लेगी। और देखिए इतनी मतलब ओनली बीन 3 years, माशाल्लाह एंड आप इतना ज़बरदस्त इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें। तो मैं जब मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो असद भाई ने मुझे बोला कि सहर ये प्रोजेक्ट कर रही हो, तो मैंने कहा थैंक यू इतना अच्छी, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ये, वो डायरेक्टर से मुझे मिलवाया, डायरेक्टर से मीटिंग हुई, वो भी बहुत खुश हुए मुझसे मिल के। अच्छा जब मेरी मीटिंग्स होती है ना तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बहुत डिसेंट बन के जी सर ये वो। जब सेट पे जाती है नहीं सेट पे, अच्छा मैं कहती हूँ लोग बहुत खुश होते हैं मुझसे, तो सब खुश रहते हैं क्योंकि मैं हंसाती रहती हूँ सबको और हंसती भी रहती हूँ। वो जो लोग होते हैं ना अंदर बैठ जाते हैं ऐसे चुप करके, मैं वैसी नहीं बन सकती, अलग रूम्स में सबके साथ बैठती हूँ यार, नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। नहीं मैं सबके साथ बैठती हूँ, तो जहाँ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जहाँ सब होते हैं मैं सबके साथ बैठती हूँ। खैर फिर उसके बाद जब उन्होंने असद भाई ने मुझे बोला कि ये स्क्रिप्ट है और डायरेक्टर से मिलवाया, जियो की टीम से मेरी मीटिंग हुई, तो फिर राइटर से तो मेरी मीटिंग नहीं हुई थी उस वक्त फिर मीटिंग वगैरह हुई और सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई। अब प्रोजेक्ट थोड़ा आगे चला गया, उन्होंने कहा अभी हमारे पास तुम्हारे लिए एक और प्रोजेक्ट है, मैंने कहा नहीं वो वाला प्रोजेक्ट कहाँ गया।
उन्होंने कहा नहीं अभी ये वाला प्रोजेक्ट है वो है अभी पाइपलाइन में. मैंने कहा नहीं 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 वो प्रोजेक्ट आप पहले मुझे बताएं कि वो है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्ट लेके जा चुकी थी. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो मैं दो दिन में मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट ख़त्म की थी, क्योंकि मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी. मैं रो रही थी, मैंने बोला यार मैं इस कैरेक्टर इस सीन को ऐसे करूँगी, इस सीन में बना रही थी कि मैं ये करूँगी मैं ये करूँगी. अच्छा मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना तो मैं राइटिंग जो एडी करता है ना काम कि इसके बाद ये ड्रेस चेंज हो जाएगा या यहाँ ये हो जाएगा या यहाँ ये हो जाएगा, वो मैं सब लिखती हूँ अपनी स्क्रिप्ट पर, वर्किंग करती हूँ. पहले एपिसोड में मेरे कितने सीन्स हैं, सेकंड में मेरे कितने सीन, ये सब मैं वर्किंग करती हूँ. तो उन्होंने कहा कि वो हम करेंगे. अच्छा उस वक्त मेरे पास ना पीडीएफ में आई थी, प्रॉपर हार्ड कॉपीज़ नहीं आई थी मेरे पास, तो पीडीएफ में आई थी, मैंने पीडीएफ में पढ़ ली थी तो थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट्स. तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अब्दुल्ला भाई ने तुम्हें इसके लिए यू नो चूज़ किया है. तो मैंने कहा अच्छा क्या प्रोजेक्ट है. फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर अब्दुल्ला भाई से मेरी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई. अब्दुल्ला पता नहीं क्या मैंने अब्दुल्ला भाई को बोला था, कोई एक बात हो रही थी कि अच्छी बन के रहा. मैंने कहा मैं तो हूँ ही अच्छी तो आज तक बोलते हैं. तो वो बहुत क्यूट मीटिंग हुई, असद भाई से भी बहुत क्यूट मीटिंग हुई, बहुत दोनों बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर द फिल्म टेरी फिल्म जो आपकी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि प्रोड्यूसर्स खुद मिलते हैं सेवंथ स्काई में. अगर उनको आपको कोई प्रोजेक्ट देना है तो वो खुद मिल रहे हैं, ये नहीं है कि यू नो नीचे के जीएम्स और वो आपको पिच कर रहे हैं, वो खुद मिलते हैं तो ये अच्छा लगता है आपको, रिस्पेक्ट होती है. एग्जैक्टली बिल्कुल. तो जब मैंने उनके साथ किया, फिर मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट आई, फिर एसएन भाई, जब मुझे पता चला एसएन भाई कर रहे हैं, वाह ओके ये तो डन है. हाँ और फिर वो एक वेस्टर्न लड़की का कैरेक्टर था, मैंने किया नहीं था ऐसा कभी. तो मैंने कहा यार ये तो वही कैरेक्टर है जो मैं हूँ, एक जिस तरह की मैं होती हूँ रियल लाइफ में. मैंने कहा लेट्स डू इट. तो फिर वो मीटिंग हुई और बस फिर टेली फिल्म आ गई, उसका भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला. फिर उसके बाद ये रंग महल आया. ओके फिर रंग महल की शूट जल्दी, बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी शूट शुरू हुई और रंग महल के सेट पे गई. पहले दिन से ही मैं रंग महल के कैरेक्टर में आ गई थी, क्योंकि मैं सारी वर्किंग कर चुकी थी. बस इस तरह से. तो रंग महल को जो आपका जो कैरेक्टर है माँ पारा का, कोई चैलेंज था उसको करने के लिए? चैलेंज वैसे तो लगता है कि सिंपल कैरेक्टर है. हाँ और मुझे लगता है उसकी कैरेक्टर की डायमेंशंस बहुत डिफरेंट हैं. बिल्कुल. क्योंकि एक तो ये कि वो टिपिकल रोती धोती लड़की नहीं है. Exactly. उसका दुख है, लेकिन वो नहीं है जो बस ढाँ करके बैठ गई है. वो शी मूविंग ऑन. अच्छा एक और मुझे एंगल बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़ी रिस्पेक्टफुली और अपने प्राइड के साथ, जब वो सालार को भी मना कर रही है तो वो उसने अपनी इज्जत को कहीं भी दांव पे नहीं लगाया है, यू नो. तो ये सब बातें जहन में रख के आपने क्या डेवलप किया, और कोई चैलेंज लग रहा था इनको कम्युनिकेट करने में? जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है. चैलेंज ये था कि मुझे महापारा ही प्ले करना है, सहर ना आए उसमें कहीं, या उसमें कोई और मेरा कैरेक्टर ना आए जो मैंने पहले किया. तो चैलेंज ये था कि महापारा ही लगनी चाहिए मैं. तो मुझे भी उसकी ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि ये लड़की रोई नहीं, रोई बहुत कुछ हुआ, अबू चले गए सब चीज़ों में, बट इसने कहा मैं मूव ऑन करूँगी और मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगी, उनके मुकाबले आऊँगी. तो वो बहुत. और दूसरी बात है इसमें शेड्स हैं, पहले वो अलग है, सेकंड वाला ट्रैक बिल्कुल अलग है, थर्ड वाला ट्रैक बिल्कुल अलग. मैं थर्ड वाला मेरे मुझे लग रहा है सबसे एक्साइटिंग है, जब वो कुछ बन जाएगी और वो रायद और उसकी दोबारा जो जब वो मिलेंगे ना, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा. और दूसरी बात ये कि चैलेंज बिल्कुल, जब आप किसी भी सेट पे जाते हो चैलेंज होता है, क्योंकि आप हर दिन एक नया कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो और हर नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनका माइंड और आपका माइंड मैच होना बहुत ज़रूरी है. और फिर तो बस इसी तरह से अच्छे से वो प्रोजेक्ट निकल गया. और आपको पता है जब एक वो एक सीन था, जब मुझे घर से निकालती हैं शैला और ग्रीन कपड़े मैंने पहने होते हैं मुझे घर से, तो उसमें लंगड़ा लंगड़ा के भाग रही हूँ. उस दिन मेरी टांग भी जल गई थी सेट पे. तो वो इस तरह के कुछ इंसिडेंट आपके होते हैं और बड़ा दर्द में मैंने वो सीन किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं सीन कराऊंगी. तो ये मेरे घर वालों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है. मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आपको चोट लगाई, अब अगले दिन से घर में बैठोगी, रोना धोना कुछ भी करो घर में बैठोगी. तो अच्छा मैं घर आके रोना था, अब इतना मैं संभल संभल के चलती हूँ. मेरे साथ बहुत सारे ऐसा ना, मतलब ऐसे सीन्स में तो होता है, वो पकड़ के ला रही है वो. अच्छा वो उस सीन में मेरे साथ नहीं हुआ था, वो सीन से पहले, सीन में करते हुए और ज्यादा दर्द फील हो रही होगी ना. वो मैं बेचारा लड़का एक ग्रीन टी लेकर आया, वो ग्रीन टी वो मुझे दे रहा था, वो धड़ करके मेरे पे गिर गई. अब मेरी आदत है जैसे मुझे कोई ग्रीन टी देगा मैं यूं करके उठा लूंगी. ओह गॉड, मैं वो ऐसी लगी हुई थी, मैंने ऐसे करके उठाया, गर्म लगा, मैंने अपने पूरी छोड़ दी. खैर फिर हॉस्पिटल गई और फिर ठीक हो गई थी जल्दी, ज़्यादा चोट नहीं आई थी. तो लेकिन वो फिर उसमें दर्द तो ऑब्वियसली होता है थोड़ा बहुत. उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ, मैंने कहा ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोट लगी है मुझे लगता है शायद, क्योंकि बहुत दर्द था. उस दर्द में मैंने वो सीन किया, तो मैंने अल्लाह ताला को बोला अल्लाह ताला इतने दर्द में सीन कर रही हूँ, अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ
कितनी मेहनत हम करते हैं like जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट ना अच्छा बहुत बहुत सारी दफ़ा मैं हमेशा अल्लाह ताला से बात करती हूँ. कभी भी मेरा कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है ना तो मैं अल्लाह ताला को बोलती हूँ इसमें मुझे इतनी इज्जत देना, पिछले प्रोजेक्ट से ज़्यादा इज्जत देना. तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप जो दुआ मांगो हर वक्त कबूल हो जाए. सही बात, हर दुआ का एक वक्त होता है, बट जितनी मिली हुई उतनी मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा नहीं, इसका कोई एक सीन था जो मुश्किल था करना, जो अभी आएगा या आ गया है या नहीं? मुश्किल सीन्स सारे मुश्किल थे, लेकिन वो जो चुरबला ट्रैक था ना, और चुरबले ट्रैक से उसको डिसेंट पर्सनालिटी में आना था. वो जो बिल्कुल मुश्किल ये लगता था कि जब कभी वो वाले सीन्स होते थे और कभी वो वाले सीन्स होते थे. मैं यही सोच रही थी अभी जब आप बोल रही थी. हाँ, तो ऐसा पहला ही करना पड़ता था. स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर स्मूथली चला रहे होते हो ना, तो मैंने अपने डायरेक्टर को भी यही वाली बात बोली. मैंने कहा प्लीज़ पहले वाला ट्रैक ख़त्म कर देगा. तो उन्होंने बोला ये तो अल्लाह मालिक है, अब देखते हैं कि अगर वो कुछ सीन्स नहीं आए. तो ऐसा होता था कि जब हम पहला वाला ट्रैक कर रहे थे कुछ सीन्स उसके बच गए थे. ओके, तो आपने देखा वो फ्लैश बैक्स आते हैं उसके बाद में बहुत सारे, तो उसमें महापारा आ रही होती है. वो कुछ इस तरह के जब सीन्स होते हैं ना, तो वो वाले सीन्स, और फिर जब वो रेलवे वाला ट्रैक है उसका अलग, सालार वाला जो, वो बिल्कुल अलग लुक है. तो उस लुक से अचानक मेकअप चेंज करके दूसरा वाला लुक, वो बहुत टफ होता था. कि एक लुक से आप समझा आप एक शूट से दूसरे ड्रामे के शूट पे जा रहे हो. सही बात है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं दोनों, और एनवायरनमेंट डिफरेंट है. और फिर एक्टिंग में भी आप चेंज ओवर लेकर आ रहे हो, बिल्कुल वो थोड़ा मुश्किल होता था. लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपने मुश्किल चीज नहीं की तो फिर क्या की. बट वो सालार को, डोंट यू थिंक सालार इज अ बेटर चॉइस देन राइद? इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतना ख्याल रखता है. ऑडियंस से पूछे आप, ऑडियंस तो कह रही है राइद ही चाहिए अभी भी. वो तो मतलब मैं महापारा से, बिल्कुल आप अगर आप शहर से पूछे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें ना अपने लेवल की नेगेटिविटी है. हाँ. लेकिन सालार का कैरेक्टर, महापारा का कैरेक्टर, राइद थोड़ा अपने अपने इशूज से गुजर रहा है, उसको गलत फहमी भी है. बट आई लाइक सालार, ही इज नॉट द टिपिकल हीरो ना, ही इज सपोर्टिंग हर, उसको ग्रो करने दे रहा है. हाँ, तो मुझे लगता है इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतना ख्याल रखता है. नहीं, सालार का कैरेक्टर आसिम महमूद ने बहुत अच्छा प्ले किया है, और बहुत अच्छा भी कैरेक्टर है सालार का ना, और वो मेजर कैरेक्टर है ड्रामे का. तो वो तो है, अब लेट्स सी आगे क्या होगा, तो मैं नहीं बताने वाली. आपने बड़ा घुमा के सवाल पूछा है, बट मैं वैसे पूछी थी, डोंट यू थिंक शी, हाँ, दैट्स अ बेटर चॉइस. बिल्कुल वो बेटर चॉइस तो है ना, क्योंकि इतना कुछ हो गया. बट अगर आप देखा जाए तो राइद, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी भी मिसाल ली जाए ना, अगर कोई बाहर वाला आके मेरी फैमिली को बोलेगा ना, तो फिर मैं बोलूँगी नहीं, पहले मेरी फैमिली है, बाद में आप हो. फैमिली पे तो कोई भी नहीं सुन सकता. तो अगर वो एक उस वे में जाके लोग सोचे ना, तो वो राइद ने बस अपने भाई के लिए आज भी राइद रिकवर नहीं कर पाया अभी तक, रिकवर नहीं कर पाया. लेकिन वो तो ऑब्वियसली अब राइटर ने आगे क्या लिखा है वो तो किसी को नहीं पता, मुझे भी, शहर को भी नहीं पता, महापारा को पता है, लेकिन हम पूछ भी नहीं रहे, बिकॉज वो हमें मजा आ रहा है जैसे हम देखते जा रहे हैं. बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अब जो नया ट्रैक एकदम से सालार के साथ चल रहा है, तो दैट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज इट्स नॉट द टिपिकल रूट जो कहानियां लेती हैं. अब यही तो ट्विस्ट है कि किसके साथ इसका एंड होगा, सालार के साथ या महापारा के साथ. बहुत सारे लोग कहते हैं सालार के साथ, बहुत सारे लोग कहते हैं उसके राइट के साथ, लेकिन अब ये राइटर को पता है, राइटर ये हम देखेंगे और हमें पता चलेगा. आप लोगों को देखना पड़ेगा इंशाल्लाह. हाँ. और जरूर इंशाल्लाह आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे. दादी को क्यों छोड़ के चली जाती हैं, मतलब क्योंकि दादी को नहीं साथ लेके जा रही. मैं बताती हूँ दादी को क्यों लेके जाती है, क्योंकि दादी ये एक ऐसा एग्जाम दे रही होती है जिसके लिए उसको वो पढ़ाई वाला एनवायरमेंट चाहिए होता है. देखिए सालार के घर वालों ने उसे निकाला, और उसको अभी तक ये बात नहीं पता, क्योंकि वो उसके साथ एक चीज़ हो चुकी थी ना शैला के घर में. तो वो नहीं चाहती थी कि लड़के पे कोई इल्जाम, इसके कैरेक्टर पे दोबारा आ जाए. और लड़की को जब ये चीज़ पता होती है ना कि मेरे कैरेक्टर पे कोई बात, तो वो हर तरह की जलालत बर्दाश्त कर लेती है. इस डर से वो, तो इस डर से कि उसने बोला कि मैं सालार से डिस्टेंस रखूँ और मेरे कैरेक्टर पर बात ना आए, तो वो वहाँ मैडम की बातें भी सुन रही है. और दूसरी बात है कि मैडम के घर में ये स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी पढ़ाती, तो कैसे अपनी पढ़ाई करेगी. तो अभी जो एपिसोड में उसने टॉप किया है, तो वो उसने पूरा प्रोसेस किया, तो वो इसने पढ़ा है. तो वो वहाँ जाके रहना और पढ़ाई करना, और तो वो सारी चीज़ों के लिए उसको जाना ज़रूरी था. अगर वो घर में रह के ही पढ़ती और उनकी जलालत भी बर्दाश्त करती और उनकी सारी चीज़ें देखती, तो वो टफ होता है एक इंसान. इवन हम घर में भी होते हैं और हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो हम कहते हैं बिल्कुल खामोशी हो जाए और हम अपना कमरा बंद कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं. आई हैव टू से कि मैंने देखा आपका काम और बहुत अच्छा आप तक करती हैं, लेकिन रंग महल में डेफिनेटली आई थिंक बहुत मेच्योरिटी हमें शहर में नजर आ रही है. मेरा प्रोजेक्ट था मेरा, और सिर्फ खेलने का मार्जिन
बहुत था मेरे पास कि यू नो खुल के आप एक्टिंग करते हो ना, जब आपको पता होता है कि खुल के एक्टिंग करनी है, और कंटेंट बहुत ज़रूरी है राबिया, जब आपको कंटेंट अच्छा मिलता है ना तो आप कहते हो यार वाओ अब तो इसमें नहीं किया, तो फिर किसने कहीं भी ऊपर नहीं किया है, मतलब वो नहीं धाड़े मारना कि वो बड़ा सटल रखा है. सो हम रिलेट भी कर पा रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वो एक्सेसिव रोना धोना नहीं है. वो मुझसे नहीं थोड़ी देर बाद देखा जाता तो मुझे अच्छा लगता है कि वो, और फिर वो फ्लैशबैक में वो भी क्यूट सा एक आ जाता है. और इस ड्रामे में हर किसी के साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है. दादी के साथ केमिस्ट्री, जो बाबा होते हैं इसके राशिद फारूकी, उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री, अली के साथ, हुमायूं के साथ, अरूबा के साथ, सबके साथ. तो केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक्ट्रेस की आपस में केमिस्ट्री है ना तो फिर वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा आएंगे. और मैं तो सबसे पहले जाकर ना सेट पे केमिस्ट्री बना लेती हूँ कहती हूँ हाँ ठीक है अब सही है, अब आप इजीली काम करो. आसिम से बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो गई थी, हुमायूं, अली, तीनों बहुत अच्छे हैं. तो बहुत अच्छे एक्टर्स मिले और अच्छी कास्ट थी, सुकून की कास्ट थी, कुछ मसले मसाइल नहीं हुए, अच्छे से आपने यू नो काम किया और अब प्रोजेक्ट आपके सामने है. अच्छा, गोइंग बैक टू योर वो जो बचपन का ख्वाब था, जो ओरिजिनल, कौन सा ओरिजिनल वाला, एक्टिंग से पहले ओरिजिनल वाला, वो जो आपका ख्वाब नहीं था, मैं कहूंगी गो सहर गो, गो सहर गो, सिंग सहर गाना सिंग. गाना अच्छा पता मैं आज क्या सुन रही हूँ, मैं हर किसी को आजकल तो मैं रंग महल का सुन रही हूँ, लेकिन रंग महल का इतना प्यारा हुआ इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी आवाज़ में गा के खराब करूँ. बट गाने वाली एक कहानी भी थी ना, जब आप सेट पे पहुंची तो डायरेक्टर ने बोला कि आपको गाने सुना दे. कहानी मैंने उसका किस्सा सुना, पूरा नहीं सुना मैंने. अच्छा मैं आपको बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था. हम लोग नाइट शूट कर रहे थे और हम फार्म हाउस में शूट कर रहे थे. ठीक है, ठीक है. और वो सीक्वेंस इस तरह का था कि वो नाइट के ही सीन्स थे तो नाइट में शूट होने थे. तो अब हम सुबह 7 बजे के जागे हुए और अगला दिन है, अगले दिन की रात हो रही है. ठीक है, और हम लोग सारे और वो लास्ट सीन था और मेरा गला, मैंने आपको बताया ना मुझे कहीं भी जाना होता है मेरी इतनी बैड लक है, मेरा गला आवाज़ बंद हो जाती है, मेरी आवाज़ बंद नहीं इनसे भारी हो जाती है. उस दिन यही था, मेरी आवाज़ भारी हुई थी. और अगर उस सीन के आप सारे सीन्स देखें उसमें मेरी आवाज़ अलग हो रही है. तो अब अचानक हम लोग बैठे, मेरे एक सिंगिंग का सॉन्ग का एक सीन है और हम नॉर्मल में बैठी हुई हूँ, मैं सर्दी लग रही है, चादर हम बैठे हुए हैं. अचानक जाहिद भाई कहते हैं कि वो सर कोई अच्छा सा गाना सुना लो. मैंने कहा क्या, कैमरा ऑन रोल पे कर दिए. मैंने कहा ये क्या था, ये मजाक था या कुछ था. मैंने कहा गाना गा. मैंने कहा जाहिद भाई मैंने टीवी पे आना है, मैंने घर में थोड़ी हूँ कि मैं गाना गा लूँ कोई सा भी. कह रहे नहीं नहीं तुम, अरे ऐसे कैसे तुमने अपने आप को अंडरएस्टिमेट किया, गाओगा, मुझे चढ़ाना होता है ना सबको. नहीं 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 जाहिद भाई ये मजाक नहीं हो सकता, प्लीज़ ये ना करें मेरे साथ. उन्होंने कहा नहीं नहीं गाना तो पड़ेगा. अच्छा फिर उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने बोला तुम गाना गाओ, हम लिपसिंग चला देंगे और तुम लिपसिंग करना और हम गाना गा देंगे. अब मैंने बोला जाहिद भाई मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ लेकिन मेरी आज आवाज़ ख़राब है, मैं नहीं गा सकती, प्लीज़ 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 प्लीज. अच्छा उन्होंने बोला नहीं. और मैंने कहा मुझे गाने आते ही नहीं है. मैंने बोला जाहिद भाई कॉपीराइट का मसला हो जाता है, गाने नहीं आते. और उसी गाने पर कॉपीराइट का मसला नहीं हुआ. अच्छा उन्होंने मुझे ऑडियो एक गाना सुनाया, वो मुझे याद नहीं है कौन सा गाना था, कोई पुराना गाना था. उन्होंने मुझे सुनाया, उन्होंने बोला जल्दी से याद कर लो. मैंने कहा स्क्रिप्ट है याद कर लूँ जल्दी से, सुर कैसे याद करो. नहीं यू कैन डू इट, करो करो. आप यकीन माने सब अली, अरूबा, हुमायूं सब बैठ के मुझे देख रहे हैं और हुमायूं भी बोल रहा है नहीं सर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. मैंने बोला हुमायूं नहीं होगा. मैंने नहीं तुम गाओ, हम पीछे से गाना चला देंगे. अब वो मैंने गाना गाया है कि वो पता नहीं क्या उन्होंने ऐसी डाल दी. यकीन माने जब जब एपिसोड ऑन एयर हुआ था वो वाला और मैं शूट पे थी, तो शूट पे ना मेरे फैमिली ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं गाना तो बड़ा अच्छा गाया गाना. मैंने कहा ना करो, मैंने कहा गाने वाला सीन आ गया. मैंने कहा जल्दी मुझे वीडियो भेजो, मैं जल्दी से यूट्यूब पे लगाओ. मैं शिट यार ये क्या गाना गाया. लेकिन ऑडियंस इतनी प्यारी है, इतना प्यार दे रही है महापारा को कि वो उन्होंने उस गाने को भी इतना पसंद किया. मुझे अब भी गाया होगा, आपको लग रहा है आपने बुरा गाया. अब सुनिएगा मेरे से वो पास मिस हो गया है. इसके बाद ना आप, मैं आपको वो गाना सुनाऊंगी. अब आप सुनाएं, अब सुनाएं. मैं अभी जज कर लेती हूँ, उस पर क्यों जाऊँगी. आई कैन जज नाउ. यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लब दी फेरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां. दोनों ने डायरेक्टर साहब ने सही कहा था ना, उनको पता था कि यू कैन डू इट, इसीलिए उन्होंने कहा. थैंक यू. लेकिन घर वाले मजाक उड़ाते तो मुझे
आप सबकी तारीफ करते ना, मजा ही है। नहीं आप बुरा नहीं बोलते हैं किसी को। नहीं आपने मेरी रिव्यूज नहीं सुने शायद। अच्छा हाँ, और इंस्टाग्राम की पोस्ट भी आपने फ्यूचर की सही तरह नहीं देखी क्योंकि नहीं हम सच बोलते हैं। ओके हम सच बोलते हैं, यही होना वो चाहे किसी को एक जेन्युइन फीडबैक हो या क्या बहुत अच्छी चीज पे हो, तो जेन्युइन फीडबैक है वो दोनों साइड पे जा सकती है। चलिए अल्लाह करे हम अच्छा गाएं। बट थैंक यू सो मच सहर, इतना मजा आया आपसे बात में। बहुत सीरियसली अल्लाह मेरी तो किसी बात का यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने क्या किया। नहीं मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सॉरी मैं मुश्किल वक्त में नहीं आ पाई थी, लेकिन मसला नहीं, आपको बताया हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा सहर बिजी थी, फिर बीच में थोड़ी बात इधर, मैंने कहा ब्रह्म महल पे तो मैं टाइम से पकड़ लूँ। और आपको पता है अभी भी एक महीने पहले के ये डेट थी और दूसरी डेट एक महीने बाद की थी। मैंने कहा बहन रहने आ गई ना, मैंने कहा बस इसको करो पॉसिबल, मैंने कहा अब तो कुछ भी हो, तो बिकॉज मुझे लगा ये टाइम सही है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, एंड एक्चुअली आई रियली हैड फन इन टॉकिंग टू यू। मैंने तो कम बात की, आपने ज्यादा की। अच्छा तो फिर आपने मैं तो सुन रही थी ना, तो मुझे बहुत मजा आया। सुनना भी एक पेशेंस है आपको, अगर नहीं मुझे मैं हर कोई नहीं सुन सकता, एंड मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी इस इंटरव्यू में, आप खुद ही माशाल्लाह से आप अच्छा चल रही थी, सो थैंक यू सो मच। एक और चीज, गूगल पे मेरी जो एज है वो 28 गलत है, ये मैं खुल के बोलूंगी। क्यों लिखी है, किसने लिखी है यार? मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा मैंने बोल दिया, मैंने प्रॉमिस नहीं लिखी। और आज हम करेक्ट कर रहे हैं फुर्शा पे, आपको बता रहे हैं शी इज नॉट टुडे, आज इस डेट को हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और आई एम नॉट 28, शी इज नॉट 28 इन 2021, शी इज नॉट 28। हां यस, नहीं मैं वैसे भी नहीं थी। नहीं नहीं मेरा मतलब है आगे अगले कुछ सालों में ये इंटरव्यू देखा जाए ना, तो उस वक्त लोग समझ रहे, तो मैं बता दूं हाँ। मैं रेफरेंस सही है, मैं एक्ट्रेस देख रही थी, मैं कहती हूं मुझसे 2 साल बड़ी है गूगल पे, लोगो मानो क्या। चले कोई बात नहीं, लोगों का प्यार है जिन्होंने लिखा। इट वाज रियली फन टू टॉक टू यू एंड थैंक यू, स्टे लाइक दिस, स्टे योरसेल्फ, थैंक यू, थैंक यू द जेन्युइन बबली एंड ऑनेस्ट एंड मजे की गपशप वाली सहर। Thank and you. We wish you all the best for your new projects. Thank you so much. Take care.